हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्लीट रेस्टोरेंट ERP एप्लीकेशन, जो कि रेस्टोरेंट का एप्लीकेशन मैं एक बार बना चुका हूं पहले भी, लेकिन आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ नहीं सीखने वाले हैं क्योंकि यहां पे कम्प्लीटली मटेरियल के थ्रू हम सारी चीज़ यूज़ करेंगे। जैसे एकदम ईजी और सिंपल तरीके से हम कैसे डेटा को ऐड करते हैं, डेटा को एडिट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं और डेटा को इंटरपोलेट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारे मेथड नहीं रखूँगा, कभी कभी क्या होता है कि लोग एडिट मेथड पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ऐड तो कर लेंगे, गेट ऑल कर लेंगे, लेकिन एडिट एंड डिलीट पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, मतलब इरिटेट होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है क्योंकि सबसे सिंपल और सबसे इजी तरीके से ये पूरा कम्प्लीटली वीडियो बनाने वाला हूँ, मात्र 2-2.5 घंटे का है। इसमें पूरा कम्प्लीटली क्रेड एप्लीकेशन समझ जाओगे, साथ ही साथ एंगुलर मटेरियल के कई सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे जो कि आपको पता ही नहीं होगा। सपोज जैसे डायलॉग पॉपअप के थ्रू कैसे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, और उसके थ्रू ही डेटा कैसे वापस लेके आते हैं वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको सीखना है पेशेंस से तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए थोड़ा सा डेमो दिखाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। सो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोकल होस्ट 4200, जहाँ पर हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट रन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मटेरियल लाइब्रेरी, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं हमने एक API डमी API बनाई है लोकल होस्ट 3000 रेस्टोरेंट्स नाम के, जिसपे कुछ रेस्टोरेंट के डेटा हैं, ठीक है। चलिए अब इस ERP में हम और क्या क्या किए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ब्यूटीफुल सा नैब बार आपको देखने को मिलेगा, फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। आप इसको आयोनिक पे कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल मोबाइल एप्लीकेशन दिखेगा, ठीक है। इसको लास्ट में मैं जरूर करूँगा, करके दिखाऊँगा, लेकिन फिलहाल अभी तो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे हमारा जो नैब बार है, नैब बार बहुत ब्यूटीफुल सा है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म नहीं किए हमने। उसके बाद बात आती है, एक बटन है ऐड रेस्टोरेंट का, ठीक है। उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा टेबल है जो कि हमारे पूरे डैशबोर्ड के डेस्कटॉप पे है। तो चलो सबसे पहले मैं ऐड का फैसिलिटी दिखाता हूँ। जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा कार्ड दिखता है, ऐड न्यू रेस्टोरेंट डिटेल हियर, और यहाँ पर बहुत अच्छा फॉर्म्स मैंने बना के रखा है, ये भी पूरा मटेरियल से ही बना है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो कितना शानदार सा आउटर हो गया, आउटलुक हो गया। रेस्टोरेंट नेम जो कैप्शन आपको ऊपर दिख रहा था टॉप पे चला गया और इसके अंदर प्लेस होल्डर भी आ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कोई डमी डेटा रिकॉर्ड करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपली देते हैं फूड्स कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर, और यहाँ पर ऑनर नेम मैं दे देता हूँ सपोज आशु, और मोबाइल नंबर में जो भी आप देना चाहो दे सकते हो, वो 9567 व्हाटएवर जो भी देना चाहो। अभी इसमें कॉम्प्लिसिटी नहीं बढ़ाया मैंने वैलिडेशन लगा के, आप सिंपली वैलिडेशन लगा सकते हो रिक्वायर्ड फील्ड वगैरह। उसके बाद यहाँ पे डेमी ईमेल आईडी देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ foods@gmail.com। आप कोई भी ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हो, और लोकेशन यहाँ पे मैं दे देता हूँ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो मैंने कुछ ऐसे डमी एक डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, मुझे तुरंत रिडायरेक्ट किया यहाँ हमारे टेबल पे रिडायरेक्ट कर दिया है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे थर्ड नंबर रिकॉर्ड आ गया, फूड कॉर्नर नेम आशु, मोबाइल नंबर के नीचे मोबाइल नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी के नीचे ईमेल आईडी आ रहा है, लोकेशन के नीचे लोकेशन आ रहा है, ठीक है। एंड द एक्शन यहाँ पर दो तरीके का है, एक एडिट है एक डिलीट है। तो चलो सबसे पहले मैं एडिट ही करके देखता हूँ। तो चलो मैंने थर्ड बनाया, सेकंड वाले को एडिट करता हूँ। यहाँ जो फूड प्लाजा है, फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, इसका नेम भी आशु है, तो इसका नेम चेंज करके चेक करता हूँ कि होता है कि नहीं। जैसे मैं एडिट करता हूँ, देखो हमारा सेकंड नंबर आईडी यहाँ पे लोकेशन दिखा दिया, एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स फुलफिल होके आ गई, और यहाँ पे कैप्शन चेंज हो गया, अपडेट रेस्टोरेंट ओल्ड डिटेल हियर, ठीक है। तो चलो मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ आशीष, ठीक है। और यहाँ पर जो foods@gmail.com है मैं इसको देता हूँ restaurant.com, जो भी देना चाहो आप, और जो नोएडा है नोएडा रहने देते हैं, साथ में UP ऐड कर देते हैं। और जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा फिर से मुझे रिडायरेक्ट करेगा, और देख सकते हो आप यहाँ सेकेंड आईडी हमारी चेंज हो गई, आशीष आ गया, यहाँ पर नोएडा UP आ गया, ठीक है। तो एकदम सिंपल, एकदम इजी तरीके से इसको मैं मतलब मेंटेन किया हूँ इस एप्लीकेशन को। आप सीखने के बाद कम्प्लीटली क्रेड एप्लीकेशन मटेरियल के थ्रू एकदम इजी तरीके से सीख जाएंगे। उसके बाद जब हम डिलीट की बात करते हैं, अब आप देखने वाले हैं डिलीट, जैसे मैं डिलीट करूँगा, चलो सेकंड रिकॉर्ड ही डिलीट करता हूँ, तो ये वन है ये थर्ड है, ठीक है। डिलीट करता हूँ सेकंड रिकॉर्ड को, जैसे मैं क्लिक किया एक बहुत ब्यूटीफुल सा पॉपअप आया, पॉपअप में दो डेटा है,
दो बटन है, नो एंड ओके। अगर आप नो पे क्लिक कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, पॉपअप क्लोज हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं डिलीट करता हूँ, जैसे ही आप ओके करेंगे उसके बाद डेटा डिलीट हो जाएगा। और यही नहीं, आशीष रेस्टोरेंट फूड प्लाजा, यही तो दिखेगा आपको, आशीष रेस्टोरेंट एंड फूड प्लाजा, ठीक है। ऑन टाइम में सिंक्रोनाइजेशन होगा आपका डेटा का, ऑन टाइम सिंक्रोनाइज होने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन को हम डेवलप करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पर एक एक स्टेप को मैं लिखते हुए चलूँगा नोटपैड पे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको मैं डन कर लूँ तो मैं एक एक पॉइंट लिखते चलता हूँ और सारे प्रोजेक्ट के एक एक चीज़ को क्लियर करते चलता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले डेस्कटॉप पे आपको आना है, डेस्कटॉप या कहीं भी आप एक फोल्डर बना लो, फोल्डर फ्रेश बनाना, ठीक है। फोल्डर बनाने के बाद उसको ओपन कर लेना, डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली URL पर क्लिक करके CMD टाइप करके अपना अपने प्रोजेक्ट को अपने टर्मिनल पे ओपन करना है, ठीक है। जैसे टर्मिनल पे ओपन हो गया प्रोजेक्ट का URL, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक एक चीज़ लिखते चलता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, आपको एक एक स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले इंस्टॉल करना है एंगुलर को, आपको एंगुलर इंस्टॉल करोगे किसके थ्रू, CLI के थ्रू। और एक चीज़ ध्यान देना, मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार, मतलब कई बार प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ, तो उस पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा, नहीं बोलूँगा, तो आप उसको एक्सेप्ट मतलब समझ लेना। और कोशिश करूँगा सारी चीज़ें मैं बताऊँ, वही चीज़ बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, एंगुलर CLI के थ्रू इंस्टॉल करूँगा। तो इस कमांड को आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, कॉपी करिए और पेस्ट कर लीजिए। मैं तो कहूँगा आप नोट डायरी उठा लीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो नोट डाउन करते चलिए कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, आपको समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया npm install space -z @angular/CLI। ये कमांड हिट करते ही आपके मशीन में एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा, एंगुलर 14 वर्जन इंस्टॉल होगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होना, आप package.json में जाके वहाँ चेक कर सकते हो, आपको एंगुलर 14 ही दिखेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो मेरा प्रोजेक्ट एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है, हमारे टर्मिनल पे दिख रहा है कम्प्लीटली हो गया। अब इसके बाद आपको करना है क्या कि नया प्रोजेक्ट बनाना है। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो क्रिएट करने के लिए आपको ng new कमांड के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट यूजिंग ng स्पेस न्यू स्पेस प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, फिलहाल मैं करता हूँ ng new स्पेस एंगुलर रेस्टोरेंट, ठीक है। एंगुलर रेस्टोरेंट नाम से मैं बना रहा हूँ, एंगुलर का ng ले लिया, बाकी रेस्टोरेंट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन पूछेगा आपसे, पहला पूछेगा वुड यू लाइक टू ऐड राउटिंग, मतलब राउटिंग के लिए पूछेगा, तो आपको डेफिनेटली येस करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल सीट का फ्रेमवर्क पूछेगा, स्टाइल सीट कई सारी होती है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे CSS चूज करना है, ठीक है। मटेरियल यूज करेंगे लेकिन CSS के साथ, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो ऐसे लिखा दिखेगा आपको, सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड गिट एंड ऊपर पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली लिखा रहेगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल अप करके दिखा देता हूँ, पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए, इनसाइड द प्रोजेक्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको CD कमांड यूज़ करना पड़ेगा। CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो गो टू इनसाइड द फोल्डर। अब फोल्डर के अंदर जाने के लिए आप सिंपली टाइप करोगे CD स्पेस प्रोजेक्ट नेम। तो मैं यहाँ एक एक चीज़ लिखता चलता हूँ कि अगर आप बिगनर रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कमांड्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट जब रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओगे तो बहुत हेल्प मिलेगा, कोई भी कंपनी में जाओगे। तो यहाँ मैंने टाइप किया CD स्पेस एंगुलर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। अब आपको करना इतना सिंपल सा है कि अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करने के लिए टर्मिनल पे आपको कमांड हिट करना पड़ेगा कोड स्पेस डॉट। तो मैं लिख देता हूँ ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड यूजिंग कोड स्पेस डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोड स्पेस डॉट लिख के एंटर करूँगा, देखो विजुअल स्टूडियो कोड पे हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्रोजेक्ट ओपन हो गया, लेफ्ट साइड आपको फाइल एंड फोल्डर देख रहे हैं। तो अब आपको करना क्या, इतना हो जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट को सर्व करा लेना चाहिए, रन कराना चाहिए। रन कराने के लिए दो कमांड होते हैं, एक होता है ng स्पेस s स्पेस -o, दूसरा होता है npm start। तो आप कोई सा भी कमांड फायर करके आप अपने प्रोजेक्ट को रन करा सकते हैं। फिलहाल मैं करा लेता हूँ, मैं पहले इसको लिख देता हूँ कम्प्लीटली, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने टर्मिनल पे, ये लेफ्ट साइड हमारी सारी डायरेक्टरी है, ठीक है। यहाँ टर्मिनल पे आया और यहाँ पे टाइप करता हूँ ng s -o,
हाइफ़न होम इसलिए यूज किया क्योंकि ये ब्राउज़र पे डायरेक्टली ओपन कर देगा। आप एनजी सर्व करके सर्व कर सकते हो लेकिन वो ब्राउज़र पे ऑटोमेटिकली ओपन नहीं करेगा, तो मैंने इतना इसलिए लिखा जिससे कि ब्राउज़र पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। एंड सिक्स पॉइंट में लिख रहा हूँ, आफ्टर रन द प्रोजेक्ट एंगुलर ऐड एंगुलर मटेरियल, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो रन हो गया, अब हम प्रोजेक्ट में आपको एंगुलर मटेरियल ऐड करना सिखाएंगे। एंगुलर मटेरियल ऐड करने के लिए आपको एंगुलर मटेरियल लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हैं बने बनाए, आप उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसके थ्रू आप करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं आएगा। फिर ठीक है, फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो में, इस पूरे प्रोजेक्ट में सिखाऊँगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये दो प्रोजेक्ट करने के बाद कोई सा भी आप एंगुलर का इंटरव्यू इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ मैं बताया हूँ जो कि एक इंटरव्यू में पूछी जाती है सिंपल तरीके से। जैसे एक डेटा से दूसरे डेटा कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, कैसे एनजी मॉडल वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं कवर किया हूँ। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना कि आप एक एक चीज़ मिस मत करना। वैसे मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा इस प्रोजेक्ट में, जिससे कि आपको जो पार्ट नॉलेज हो अच्छे से उसको स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं CMD एक और कमांड टर्मिनल ओपन करता हूँ। बेसिकली इसमें मैं जेसन सर्वर रन कराने के लिए कर रहा हूँ। एक और भी टर्मिनल ओपन करूँगा, उस पर सिर्फ कंपोनेंट बनाने के लिए करूँगा। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंटरनल टर्मिनल क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। तो इंटरनल टर्मिनल मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट मेरे लैपटॉप में काफ़ी हैवी वेट चल रहा है, इंटरनल जब यूज़ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक्सटर्नल ही टर्मिनल मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले टर्मिनल पे आते हैं और मैं यहाँ एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपको ऐड कैसे करना है मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल होस्ट 4200 पे हमारा देखो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रन होने के बाद आपको ऐसे कुछ दिखेगा और इस सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये हमारे लिए अननेसेसरी है। ये प्री डिजाइन एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का हम कहीं यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम अभी यूज़ करेंगे। फिलहाल देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एंगुलर मटेरियल यूज़ करते हैं। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ऐसा दिख जाएगा एंगुलर मटेरियल मटेरियल डिज़ाइन टू बिल्ड एप्लीकेशन समथिंग में, और यहाँ पर आपको जैसे गेट स्टार्टेड करेंगे यहाँ पर दिखेगा एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल। ठीक है, ये कमांड है एनजी ऐड एट द रेट एंगुलर स्लैश मटेरियल, इसको सिलेक्ट करिए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि वीडियो पॉज करके अगर आप लोग ये URL पर ना जाएं तो आप डायरेक्टली वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे वही कमांड को पेस्ट करके एंटर करूँगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा आपसे, जब भी आप एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करिएगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन के बिहाव पे आपके एनिमेशन, आपके कलर और आपके एंगुलर मटेरियल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले तो बता रहा है कि ये हमारा 14.2.7 वर्जन इंस्टॉल होगा। आप प्रोसीड करना चाहते हैं देखो टॉप पर नेवबार पे देख लो, आप अगर प्रोसीड करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करें, नहीं तो नो करें। तो मैं वाई कर देता हूं क्योंकि मुझे इंस्टॉलेशन चाहिए इसका लेटेस्ट वर्जन का। उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे ही इंस्टॉल होगा उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है बहुत क्लियर नीट एंड क्लीन करना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है जब आप एनिमेशन कोई ऐड करते हो, उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे इंडिगो पिंक चाहते हो, डीप पर्पल चाहते हो, तो आप इसमें से कस्टम मत चूज करना, बाकी कोई सा भी चूज करना। कस्टम तभी चूज करना जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, तो मैं फिलहाल इंडिगो पिंक चूज किया। उसके बाद आता है सेटअप ग्लोबल एंगुलर मटेरियल टाइपोग्राफी स्टाइल, मैंने करूँगा यस, मुझे चाहिए। अब यहाँ पे फिर से तीन ऑप्शन आ रहा है, इंक्लूड एंड इनेबल एनिमेशन, इंक्लूड बट डिसेबल एनिमेशन, डू नॉट इंक्लूड। तो मैं इंक्लूड करूँगा सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मुझे एनिमेशन भी चाहिए और भी सारी चीज़ें जो इसके एनिमेशन के साथ साथ हैं वो भी चाहिए। तो इतना जब क्लिक कर दोगे तब आपका ये पैकेज पूरा कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद इन सारी फाइलों को अपडेट कर देगा। ठीक है, देखिए लिखा है अपडेट, ये चार फाइलें अपडेट होती हैं, इंडेक्स, ऐप मॉड्यूल, ये सारी फाइलें अपडेट हो जाती हैं। अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, बट जब आप इसकी कंपोनेंट्स को यूज़ करोगे तभी इसका रिस्पांस अच्छा दिखेगा। तो हमारा इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है, अब सातवें पॉइंट पे चलते हैं जो कि हम देखने वाले हैं नेवबार। ठीक है, नाउ ऐड हेडर या नेवबार, ऐड नेवबार यूजिंग एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट। ठीक है, एंगुलर मटेरियल कंपोनेंट के थ्रू हम लोग बनाने वाले हैं नेवबार इसमें। तो
तो सिंपली इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ आपको दिखा देते हैं ये SRC है, देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर से हो गया है जिस कंपोनेंट पे आपको वर्क किया गया है। और हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट का सोर्स कोड आपको GitHub लिंक पे मिल जाएगा। GitHub का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जरूर मिल जाएगा, ठीक है। एंगुलर पैकेज पे आते हैं, angular.json पे, यहाँ पे जो जो चीज़ ऐड की गई है, देखो यहाँ पे येलो कलर से दिख रहा होगा आपको, ये देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंडिगो पिंक, तो जो जो पॉइंट पे येलो कलर हो गया है जो जो फाइल पे, इसका मतलब उन फाइलों पे कुछ न कुछ चेंजेस आए हैं एंगुलर मटेरियल के इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है। अब आते हैं इस कंपोनेंट टैब पे, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको एंगुलर मटेरियल प्रोवाइड कराती है, और ये बहुत लुक एंड फील देते हैं, बहुत कूल हैं। इसको जब आप मोबाइल व्यू पर कन्वर्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को, तो ये मोबाइल व्यू को पूरा ओपन होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत स्मूथली तरीके से वर्क करिए और एक एक चीज़ समझते चलिए। अब देखो मुझे फ़िलहाल ये टूल बार चाहिए, तो मैं इस पूरे टूल बार को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करूँगा। सबसे पहले आऊँगा ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे, और यहाँ पे जितने भी सारे अननेसेसरी कोड है इसको मैं रिमूव करूँगा, राउटर आउटलेट को छोड़कर। राउटर आउटलेट को आपको नहीं करना है डिलीट, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहीं पे मैं नेवबार यहीं पे फिक्स करता हूँ, जिससे कि हमारा नेवबार परमानेंट इसी पे रहे। तो यहाँ पे माई ऐप जो है मैं देता हूँ रेस्टोरेंट ERP ऐप। जो एप्लीकेशन मैंने बनाया दिखाया हो डेमो में, वही पूरा एप्लीकेशन बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग दिखाया कुछ अलग हूँ बताऊंगा कुछ अलग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कम्प्लीटली वही चीज़ करूँगा जो मैं दिखाया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ को नहीं छेड़ना है आपको। अब देखो अभी तो एरर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरा टाइप स्क्रिप्ट रनिंग पे है। नीचे आप देख सकते हैं बॉटम पे बार बार एंगुलर रनिंग NCC फॉर, अभी हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है इसलिए नहीं एरर दे रहा है, ठीक है। एरर ये अभी थोड़ी देर बाद देने लगेगा, क्योंकि इसके पास टूल बार नहीं है, इसके पास आइकन नहीं है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, माउस नीचे है ना, इनिशियलाइजिंग JS/TypeScript Language Feature, ठीक है। अभी ये रीड ही कर रहा है हमारे कोड को, मैं थोड़ा स्पीड में इस पर काम कर रहा हूँ, और ये थोड़ा बफर कर रहा है मेरा सिस्टम, इस वजह से समझ नहीं पाया। बाकी टर्मिनल पे देख लो एरर आ चुकी है, ठीक है, क्योंकि एरर समझ ही नहीं पा रहा कि मैट आइकन क्या है, मैट टूल बार क्या है। तो चलो इन सारी चीज़ को यूज़ करते हैं। आपको इस API टैब पे आना है। API टैब पे आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना, जो भी API आपको मिले ये वाली सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको appmodule.ts पे जाके पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद साथ ही साथ इस वाले पार्ट को कॉपी करके आपको लाइब्रेरी में इंपोर्ट एरे में पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे इंपोर्ट एरे में मैंने पेस्ट कर दिया और इसको सिंपली सेव कर दिया। अब देखो अब टूल बार का एरर दूर हो गया, लेकिन अभी मैट आइकन का है, तो मैट आइकन के भी API को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में स्क्रॉल अप करके जाइए, आइकन ढूंढिए कहाँ, ये रहा आइकन, और इस आइकन पे क्लिक करके आप API पे जाइए और इस API को कॉपी करिए। यहाँ से पूरा कॉपी करने के बाद आपको appmodule.ts पे आके पेस्ट करना है, ठीक है, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी इंपोर्ट एरे के अंदर डाल दीजिए। जितनी भी चीज़ आप यूज करेंगे मटेरियल का, सभी का रेफरेंस API आपको कॉपी करके ऐप मॉड्यूल में डालना पड़ेगा और इंपोर्ट एरे में डालना पड़ेगा, तभी ये चलेगा, ठीक है। तो अब देखो एरर दूर हो चुका है, सेव करके एक बार आउटपुट देखते हैं। एक सेकेंड, अभी बटन भी है ना हमारा इसमें, तो बटन की API को भी हम यूज़ करेंगे। आप लोग सोच रहे होगे कि बूट स्टेप में तो ये सारी चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ बूट स्टेप में नहीं होती, लेकिन बूट स्टेप से ज़्यादा ही लुक एंड फील देता है ये, इस वजह से इसकी सारी चीज़ की API है। उन सारी API को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप module.ts में, और साथ ही साथ इंपोर्ट एरे में आपको यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि इस एरे को भी हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो सारे एरर दूर हो चुके हैं, रन हो गया प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली। एक बार आउटपुट देखते हैं, तो अब देखो इतना प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। अब इसको हम और अच्छा करने के लिए इसकी हम CSS की फ़ाइल को कॉपी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टूल बार पर आते हैं। ये रहा टूल बार हमारा, एग्जांपल पे आ जाते हैं और इसके व्यू सोर्स कोड पे आते हैं और CSS की फ़ाइल पे आते हैं और सिंपली इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं अपने CSS वाली फ़ाइल में, तो ये पूरा का पूरा दिखने लगेगा, ठीक है। देखो अब ये राइट साइड चला गया और रेस्टोरेंट ERP हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्लू कलर से क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमने तो प्राइमरी कलर चूज किया है। तो यहाँ पे आपको कलर देना पड़ेगा,
कलर जैसे ही देंगे उसके बाद ये हमारा प्राइमरी कलर दिखने लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें और मिस हो रही हैं जिसकी वजह से प्राइमरी कलर नहीं दिखेगा। देखो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्लियर करते हैं पहले। ये इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्राइमरी कलर नहीं दिख रहा। यहाँ पे प्राइमरी कलर, कलर इज इक्वल टू प्राइमरी, ठीक है, ये सही है। एक सेकंड, कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे में प्राइमरी कलर नहीं आ रहा। एक बार हम पेस्ट करके देखते हैं, कॉपी पेस्ट। अब सेव करके चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे हम आउटपुट पे आते हैं अभी भी नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोई इशू है। एक बार रिलोड कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें हो सकता है कि एक बार प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करके फिर से रन कराना पड़े। कभी कभी हमारा सर्वर कम्प्लीटली रन नहीं होता। मैं एक बार टर्मिनेट करता हूँ और इसको दोबारा मैं रन कराता हूँ, ठीक है। कभी कभी लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल तो हो जाती है लेकिन इनिशियलाइज नहीं हुई रहती प्रॉपरली, तो इसकी वजह से दिखता नहीं है मैं प्रॉपरली, ठीक है। तो एक बार फिर से दोबारा मैं रन कराया हूँ एक बार इसको, और रन हो जाए तो फिर इसको देखते हैं कि अभी भी वर्क कर रहा है कि नहीं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें वर्क हो रही है, बस हमारा बैकग्राउंड कलर ही नहीं आ रहा है इसमें। तो एक बार फिर से यहाँ से आते हैं कॉपी के, देखो जैसे ही दोबारा मैं रन किया, स्टॉप करके सर्वर स्टार्ट किया, देखो सारी चीज़ें आ गई, क्लिक हो रहा है बटन, कितना प्यारा सा लग रहा है देखो जिस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो रेस्टोरेंट ERP एप्लीकेशन का नैप बार कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है, बन चुका है। अब हम देखने वाले हैं इसमें और भी आगे की फंक्शनलिटी जिसमें हम वर्क करेंगे। तो नैप बार से हमारा पूरा का पूरा नैप बार सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब 8th पॉइंट में हम देखने वाले हैं डमी डेटा के लिए यूज़ करने वाले हैं जेसन सर्वर। तो सबसे पहले जेसन सर्वर के लिए मैं यहाँ पे मैसेज टाइप कर देता हूँ, नाउ ऐड डमी डेटा यूजिंग जेसन सर्वर। जेसन सर्वर आप लोग जानते होंगे अगर हमारा और भी प्रोजेक्ट देखे होंगे तो। अगर प्रोजेक्ट नहीं देखे तो आप हमारी पूरी यूट्यूब वीडियो चेक करिए, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अलग अलग तरीके से सारे प्रोजेक्ट में बताया हूँ। तो सबसे पहले नेट टैब ओपन करता हूँ यहाँ पर और टाइप करता हूँ जेसन सर्वर स्पेस npm, जो फर्स्ट लिंक अपीयर हो उसको ओपन क्लिक कर दीजिए, वो खुल जाएगा। और ये जो दिख रहा है लेफ्ट साइड, इस पर क्लिक करके आप क्लिपबोर्ड कॉपी हो जाएगा, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, फिलहाल इसको मैं टर्मिनेट कर दूँगा अभी, क्योंकि ये कमांड हमारा कभी कभी किसी किसी की मशीन पर वर्क करता है, किसी की मशीन पर नहीं करता है, ठीक है। तो इसको कॉपी किया और आपको यहाँ पर पेस्ट किया और इंटर किया, ठीक है। जैसे इंटर किया इंस्टॉलेशन शुरू तो होगा लेकिन बहुत स्लोली होता है, बहुत टाइम टेकन हो जाता है, पहले ही बता देगा कंप्लीटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ प्रॉब्लम होती है। देखिए अभी हो ही रहा है, अभी नहीं हुआ, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करना है, इससे बचने के लिए आपको एक सोल्यूशन मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। देखो अभी भी हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये स्टॉप है, किसी किसी मशीन में होता है, किसी में नहीं होता है। तो इसको इससे बचने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोग के साथ प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आपको इसके डॉक्यूमेंट्री रीड करना है कम्प्लीटली, थोड़ा नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे सारी ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है ये देखो इंस्टॉल जेसन सर्वर, इस कमांड को आपको कॉपी करना है, ठीक है, इस कमांड को कॉपी करना है। इसको रोकने के लिए मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ फिलहाल, तो क्योंकि ये हमारा रन नहीं होगा, सेव नहीं होगा, हमको पता है कम्प्लीटली, बाद में एरर भी क्रिएट करेगा। तो मैं कंट्रोल सी प्रेस किया, हमसे मांग रहा है टर्मिनेट करने के लिए, तो मैं यस कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद सिंपली मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अपने टर्मिनल पे। अगेन मैं ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल और राइट क्लिक करके पेस्ट किया और इंटर कर दिया। अब देखो वो वाला हमारा इतनी देर से चल रहा था, नहीं इंस्टॉल हुआ, लेकिन इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, देखो आपके सामने आधा कंप्लीट हो गया, ठीक है, आधा से ज़्यादा कंप्लीट होने वाला है और ये मेरे बताते बताते हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको दिखाता हूँ, क्रिएट db.json, कुछ इस तरीके से db.json बनाना पड़ेगा और इस तरीके से हमारा सर्वर स्टार्ट होगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैनुअली सर्व करना दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो हमारा ये वाले कमांड के थ्रू कम्प्लीटली हो चुका है, ठीक है। अब package.json में आ जाओ आप, और ये स्क्रिप्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कॉमा ऐड करना है आपको टेस्ट के नीचे, ठीक है। और यहाँ डबल कोट में आपको लिखना है json run, ठीक है। बेसिकली मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार इतना लंबा सा कमांड नहीं देना पड़ेगा, जो आप बार बार कमांड देते हो कोलन डबल कोट और उसके बाद वही कमांड आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने टर्मिनल को ये बता रहा हूँ कि ये कमांड देने के बजाय मैं इसको दूंगा तो ये वाला कमांड हमारा रन हो जाना चाहिए,
ठीक है, बाकी सेव कर देना। बाकी आप देख सकते हो ये एंगुलर 14 ही सारे चल रहे हैं। अब एक बार फिर से ये हमारा एंगुलर तो रन ही हो रहा है, एंगुलर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मैं रन कर दिखाता हूँ, npm रन run स्पेस json हाइफन रन। अब मैं json हाइफन रन जब रन करूँगा ना, तो मेरा सर्वर db डमी डेटा वाला सर्वर जो होगा, json सर्वर जो होता है, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। देखो रन हो गया, ठीक है। अब आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। चेक करने का भी तरीका ये है कि आपको ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले 9th पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं। चेक API लिंक इन ब्राउज़र लोकल होस्ट :3000, ठीक है, लोकल होस्ट 3000। इसका मतलब ये है कि लोकल होस्ट 3000 URL जब हिट करोगे ब्राउज़र पे, तो ये क्या करेगा, ये आपके डमी डेटा को दिखाएगा कि आपने जो अभी इंस्टॉल किया है जेसन सर्वर, उसमें क्या क्या डेटा है इंस्टॉल हुआ कि नहीं। देखो, कॉन्ग्रेट्स, यू आर सक्सेसफुल रनिंग जेसन सर्वर, ठीक है। और रिसोर्स में मुझे 3 फाइलें बना के दिया है, 3 डेटा बना के दिया है, पोस्ट, कमेंट, प्रोफाइल। तो अब हम अपने लोकल पे आते हैं, देखते हैं हमारा डमी db.json फाइल कहाँ बना है। पहले अननेसेसरी टैप काट देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वेट पड़ रहा है, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम, ठीक है। तो अब हम आते हैं db.json, ये रहा फाइल। और यहाँ देखो तीनों डेटा क्रिएट हुए हैं, पोस्ट, कमेंट, प्रोफाइल। तो बाकी को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट को रिप्लेस करेंगे, मैं रिप्लेस करने वाला हूँ मैं रेस्टोरेंट नाम से। और साथ ही साथ ये अंदर का जो डेटा है, इसमें ID रहने देता हूँ, टाइटल को नेम से रिप्लेस करता हूँ, और यहाँ पे नेम कुछ डमी नेम डाल देता हूँ मैं, कोई सा भी डमी नेम डाल देता हूँ, ABCD रेस्टोरेंट या जो भी डालना चाहो आप डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से डाल लेना, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। ऑथर के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑनर जो भी होगा, ऑनर मतलब नेम, वो नेम जो है रेस्टोरेंट नेम है, ये ऑनर मतलब रेस्टोरेंट किसका है, ठीक है, उसका नेम यहाँ पर रहेगा। उसके बाद इसको कॉमा करना, थोड़ा सा कॉमा करने के बाद यहाँ पे फिर से डबल कोट के अंदर मोबाइल नंबर भी होना चाहिए उसका, ठीक है। ये एक तरीके का कम्प्लीटली CRM टाइप के हैं, इस थोड़ा थोड़ा इस पर काम करते रहेंगे हम आगे भी, ठीक है। ओनर, ठीक है, नेम का n स्मॉल कर देते हैं हम। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे +91 कॉमा करना है आपको यहाँ पे। कॉमा करने के बाद फिर ईमेल भी डालना है, ईमेल भी ज़रूरी है, तो आप यहाँ ईमेल पे कुछ भी डाल सकते हो। सपोज मैं पास कर देता हूँ abc@gmail.com। आप ज़रूरी नहीं है जीमेल एड रखो, जो मैं रखूँ, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। एंड लोकेशन मस्ट होता है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे सोच रहा था मैं इसमें और भी सारी चीज़ ऐड करने के लिए, जो एक कम्प्लीटली ERP या CRM बनता है उसके हिसाब से मैं वो करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि फ़िलहाल अभी ये स्टार्टिंग है, लोगों को थोड़ी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, फिर आगे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेटिंग मैं दूँ या ना दूँ, रेटिंग चलो मैं रेटिंग अभी हटा ही देता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता रेटिंग सही है देना। अभी इतना ही डेटा रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल टाइम का मैं मतलब हुआ कि दो बार मैं पेस्ट किया, ठीक है। इसको ID 2 कर देता हूँ और सारे का नेम रिप्लेस कर देता हूँ किसी और नेम से। बाकी डेटा टाइप इसी तरीके से रहेगा, ठीक है, और फ्लो यही रहेगा हमारा। अब इसके बिहाव पे मैं जब वर्क करूँगा ना, तो देखो अभी से पहले क्या था, आप फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते थे या NG फॉर्म यूज़ करते थे, #, फॉर्म सबमिट, डेटा सबमिट, ये सब करते थे ना। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, एकदम इजी तरीके से डेटा को क्रिएट भी करूँगा, इजी तरीके से डेटा को डिलीट करूँगा, इंसर्ट भी करूँगा, अपडेट भी करूँगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे फंक्शनलिटी अप्लाई होगी विदाउट एनी फॉर्म कंट्रोल, विदाउट एनी फॉर्म डेटा, ठीक है, या NG मॉडल, सिंपली NG मॉडल के थ्रू हम डेटा को बाइंड करने वाले हैं, इंटरपोलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे तीनों
तीनों डेटा का मैं नेम चेंज कर चुका हूँ, ठीक है, और थोड़े थोड़े चेंजेस यहाँ पे इस पर कर दिया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ हरियाणा। नेम पे नेम रहने देता हूँ यही, या नो नेम कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा db.json भी कंप्लीट तैयार हो चुका है। इस db.json को अगर आप अब ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ दिखेगी, ठीक है। जैसे न्यू टैब ओपन करता हूँ और लोकल होस्ट 3000 पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ अब रिसोर्स पे रेस्टोरेंट दिखेगा। क्लिक करोगे तो आपको वही तीन डेटा दिखेगा जो तीन डेटा हमने अपने लोकल डीबी पे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जेसन डेटा हमारा कम्प्लीटली दिख रहा है। तो हमारा डीबी भी तैयार हो गया, फ्रंट एंड भी तैयार हो चुका है। अब हम आगे वर्क करने वाले हैं इस पर, ठीक है। तो थोड़ा फॉर्म हम भी बनाएंगे भी। तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं कंपोनेंट। ये सारी चीज़ हो चुकी है तो हम एक टर्मिनल और ओपन करेंगे। यहाँ पे क्लिक किए cmd, एंटर किए, न्यू टर्मिनल ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट बनाने वाला हूँ मैं डैशबोर्ड नाम से, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 10th पॉइंट है हमारा, नाउ क्रिएट कंपोनेंट यूजिंग ng क्रिएट कंपोनेंट, ठीक है। नाउ क्रिएट कंपोनेंट यूजिंग ng g c एंड कंपोनेंट नेम। तो यहाँ पे कंपोनेंट नेम क्रिएट करूँगा और कंपोनेंट नेम रहेगा डैशबोर्ड, क्योंकि ये हमारा डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे ng g c स्पेस डैशबोर्ड या ऑल नहीं, डैशबोर्ड ही रखूँगा, ठीक है, डैशबोर्ड। जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे चार फाइलें क्रिएट होगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आगे और मैं एक चीज़ बताऊंगा जिससे कि जो आपको spec.ts होती है वो फाइल भी क्रिएट नहीं होगी। बेसिकली उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड देना पड़ता हाइफ़न हाइफ़न स्किप हाइफ़न टेस्ट नाम से, ठीक है। चलो अभी सर्विस जब क्रिएट करूँगा तो उस टाइम पे मैं बता दूंगा, उसके बाद सारे पे वो कमांड हिट करूँगा जिससे कि आप लोग देख के समझ जाओ, सीख जाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखो अभी चार फाइलें क्रिएट हुई है, html, spec.ts और ts और css, ठीक है। तो देखते हैं, ये रहा डैशबोर्ड नाम का फोल्डर और इसके अंदर वो चारों फाइलें आ चुकी हैं हमारी। सबसे पहले ts पे दिखा देते हैं आपको, ये रहा ts फाइल हमारी। इस ts फाइल पे टाइपस्क्रिप्ट का कोड करेंगे हम लोग और html पे html का कोड, css पे css का कोड, ठीक है। तो इन सारे चीज़ को हम यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं आके राउटिंग सेट कर देता हूँ, नोट पैड पे मैं लिख देता हूँ उससे पहले 11th पॉइंट है, नाउ कॉन्फिगर राउटिंग। राउटिंग को कॉन्फिगर करेंगे हम, ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट ts पे आपको आना है और इसके अंदर इस routes एरे के अंदर एक मतलब ऑब्जेक्ट करली ब्रैकेट ओपन करना है और इसके अंदर पाथ डिफाइन करना है, ठीक है। पाथ पे आप जो भी देना चाहो, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रख दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रन होगा, तो मैं चाहता हूँ ब्लैंक ही रखना, ठीक है। कॉमा करना, कंपोनेंट टाइप करना, कंपोनेंट कोलन, कंपोनेंट नेम देना, यहाँ पास करना डैशबोर्ड कंपोनेंट, ठीक है। अगर आपका ना है सजेशन पे तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करना, इससे क्या होगा कि लोड होने लगेगा और यहाँ पे आपको दिखा देगा ये आ चुका है। तो कम्प्लीटली हमारा डैशबोर्ड का राउटिंग हो गया, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं करना, आप जब रिलोड करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड ही खुलेगा दिखेगा। एक सेकंड, अभी प्रोजेक्ट रन हो रहा है इसलिए नहीं दिख रहा, नहीं तो फिर डैशबोर्ड वर्क दिखता आपको। एक बार रन हो जाए प्रोजेक्ट, देखो रन हो रहा है एंड ये देखो टॉप पे देखो डैशबोर्ड वर्क लिखा है, ठीक है। तो डैशबोर्ड कंपोनेंट कम्प्लीटली इस तरीके से हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर चुके हैं। अब हमें देखो एक काम, इसको जूम करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, जूम आउट करते हैं। अब हम इस डैशबोर्ड को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड को डिज़ाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डिज़ाइन करने से पहले मैं एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूं। टर्मिनल हमारा ओपन है तो यहां पर सर्विस क्रिएट करने के लिए आपको सेम वही कमांड मैं लिख देता हूं। सबसे पहले नाउ क्रिएट सर्विस फाइल यूजिंग ng g s सर्विस नेम, ठीक है।
जी फॉर जनरेट, एस फॉर सर्विस और सर्विस नेम में आप जो भी देना चाहो। तो क्रिएट सर्विस फाइल यूजिंग NGGS सर्विस नेम, ठीक है। अब सर्विस नेम क्रिएट करना है, सर्विस क्रिएट करना है, तो इसमें मैं इस फाइल को रिमूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो NGG स्पेस यस स्पेस सर्विसेज, या तो रेस्टोरेंट सर्विस लिख देता हूँ, ये ज़्यादा सही है। हाइफन हाइफन स्किप हाइफन टेस्ट, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कमांड आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा कमांड है जो हिट करने पे आपकी स्किप फाइल स्पेक फाइल जनरेट नहीं होती है। तो आप हाइफन हाइफन स्किप हाइफन टेस्ट लिखेंगे तो नहीं होगी। देखो सिर्फ TS फाइल जनरेट हुई है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो आते हैं TS फाइल पे, ये रहा हमारा TS का कोड, जिसमें एक सिर्फ इंजेक्टेबल कोर लाइब्रेरी का इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज किया हुआ है, और बाकी एक क्लास एक्सपोर्ट हुई है, कंस्ट्रक्टर एक है बस, और कुछ भी नहीं है। तो चलो अब नेक्स्ट हम वो करते हैं अपना, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप सर्विस बनाते हो तो सर्विस सिंपल सी एक ही चीज़ के लिए बनाते हो कि गेट पुट पोस्ट एडिट डिलीट, ये सब करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जब भी आप सर्विस बनाना, बिना भूले आप सबसे पहले HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेना अपने ऐप मॉड्यूल में, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे मैं प्राइवेटली इंजेक्ट कर रहा हूँ HTTP क्लाइंट को विद द हेल्प ऑफ HTTP क्लाइंट, आप देख सकते हो प्राइवेट HTTP क्लाइंट इंपोर्ट हो गया हमारे में। अब इसी तरीके से अब गेट पुट पोस्ट करने से पहले आपको करना क्या है, अपने ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे आना है। ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे आने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ठीक है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करने से बेसिकली ये होता है कि आप जितनी भी इंजेक्टेबल सर्विस यूज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ HTTP वो सारी इनेबल हो जाती है। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे 13 पॉइंट नोट कर देता हूँ, बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर यूजिंग या जो भी लिख सकते हो आप, या बिफोर राइटिंग, एक काम करते हैं बिफोर राइट गेट पुट गेट पोस्ट पुट एट्सेट्रा, मतलब ये सब चीज़ जब भी करना उससे पहले यू शुड इम्पोर्ट या एड HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इन ऐप मॉड्यूल डॉट TS, ठीक है। ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे इस चीज़ को ऐड करना है। ये प्योर बिगनर के प्रस्पेक्टिव से वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली ये सब लिखना ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि लिख देता हूँ, जिससे कि एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, कि एक डेवलपर को ये पता हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट एंगुलर प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक है। कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई चीज़ रह ना जाए, इस वजह से ये सारी चीज़ मैं नोटपैड पे लिखता चल रहा हूँ, जिससे कि आप भी नोट डाउन कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगाना, आप लिखना HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, उसके बाद क्विक फिक्स का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट कर देना। ये कॉमन के अंदर HTTP फाइल में ये लाइब्रेरी आपको मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, अब इसको सेव कर दिए, जैसे सेव कर दिए, अब आप गेट करोगे पुट करोगे पोस्ट करोगे कुछ भी यूज़ करो, आप इन जितने मेथड्स होते हैं सर्वर को हिट करने के, वो सारे मेथड्स को आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगा, आप इजी टू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो हमारे प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है, यहाँ 3 डेटा है। अब चलो इसको हम गेट करने वाले हैं, इस कंप्लीट डेटा को जो रेस्टोरेंट के अंदर है गेट करेंगे। देखो बेसिकली अगर /2 दिया मैंने दूसरी आईडी उठाया, /3 करूँगा तो तीसरी आईडी उठाएगा, जो डेटा रहेगा उस पर स्लैश करोगे तो वो डेटा यहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है, और वही डेटा दिखाएगा। तो फिलहाल अभी ये सब भी सीखेंगे अपने कोड से, ठीक है। तो फिलहाल हम 14th पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाले हैं, एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए कमांड होता है NGGI इंटरफेस नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग NGGI एंड इंटरफेस नेम, इंटरफेस नेम हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। GI स्पेस इंटरफेस का नेम मैं देता हूँ रेस्टोरेंट ही,
ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट से रिलेटेड हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो रेस्टोरेंट ही यहाँ पे इंटरफेस नेम दूंगा। इंटरफेस बेसिकली यूज़ इसलिए किया जाता है कि कोई डेटा टाइप डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, एक तरीके से जैसे मॉडल यूज़ किया जाता है उसी तरीके से इंटरफेस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंटरफेस के थ्रू वर्क करूँगा। आप देखो यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट हो गया। बेसिकली इंटरफेस में बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है, बहुत छोटा सा कोड होता है। अभी दिखाता हूँ आपको, ये रहा इंटरफेस, क्लिक किया, सिर्फ एक लाइन लिखा है एक्सपोर्ट इंटरफेस रेस्टोरेंट करली, एक ऑब्जेक्ट बनाए बस। ठीक है, तो इसके अंदर हम पास करने वाले हैं वो डेटा जिस तरीके से हम अपने db.json में डेटा पास किए हैं। ठीक है, एक तरीके से उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे यहाँ पे इस इंटरफेस पे कि किस तरीके का डेटा टाइप है हमारा और कौन सा डेटा है। तो इसको यहाँ से मैं सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा टाइप मुझे बताना है, तो कुछ अननेसेसरी चीज़ है यहाँ पे, जैसे 2 लिखा है तो यहाँ नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि नंबर टाइप का है। यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू पास है तो इस पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है तो इस पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग। और ये भी स्ट्रिंग है हमारा तो इस पे भी मैं पास करता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही है तो इस पे मैं पास कर देता हूँ स्ट्रिंग। और लोकेशन भी हमारा स्ट्रिंग है तो लोकेशन को भी मैं स्ट्रिंग पास करूँगा। और ये जो आगे डबल कोट इनके आईडी नेम इन सब के आगे डबल कोट लगा है तो इसको सबको रिमूव कर दूंगा मैं क्योंकि कोई काम के नहीं। कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट हो गया एक बार में रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे रहा डबल कोलन लगा था। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है या शिफ्ट आल्ट प्लस एफ प्रेस करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, देखो अपने आप फॉर्मेट हो गया और सेव कर लो, हमारा इंटरफेस भी तैयार हो चुका है। अब बस बाकी है तो क्या कि आप रेस्टोरेंट को गेट करना है। ठीक है, ऑल रेस्टोरेंट डेटा को गेट करना है। 15 पॉइंट में मैं लिख देता हूँ नाउ गेट ऑल रेस्टोरेंट रिकॉर्ड यूजिंग गेट मेथड। ठीक है, बेसिकली 25 पॉइंट है क्रिएट किया हूँ मैं, इस 25 पॉइंट में पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये जो भी पूरा एंगुलर क्रड मटेरियल यूज कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पूरा का पूरा 25 पॉइंट में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो गेट करना है, गेट करने के लिए गेट ऑल गेट मेथड यूज़ करूँगा मैं। अपने सर्विसेज पे आना, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ मैं, सबसे पहले कमेंट में लिख देता हूँ जिससे कि समझ में आए। ठीक है, गेट ऑल रिकॉर्ड्स यहाँ पे गेट ऑल नाम का मेथड बनाया, और ये मेथड बेसिकली हमारा ऑब्जर्वेबल टाइप का होगा। ऑब्जर्वेबल RxJS की क्लास होती है। ठीक है, जो कि डेटा को ऑब्जर्व करती है कि डेटा किस वे में है और किस फ्लो से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऑब्जर्वेबल यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस, और ऑब्जर्वेबल लिखने के बाद यहाँ पे इसको इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेबल लिखा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा हमारा डेटा टाइप किस टाइप का है, रेस्टोरेंट डेटा टाइप का है तो यहाँ पे रेस्टोरेंट ही रहा सेकंड। ठीक है, इसको एरे टाइप का मुझे बनाना है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हम यहाँ पे डेटा को रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने से पहले इसको हम RxJS की क्लास को इम्पोर्ट कर लेते हैं। देखो दो ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन है RxJS। ठीक है, जैसे मैं RxJS यूज़ करता हूँ, अब देखो RxJS इंपोर्ट हो गया लेकिन नीचे आपको एरर दे रहा है क्योंकि आपने डेटा को रिटर्न किया नहीं। तो लोग सोचते हैं कि अब कन्फ्यूजन है, मैं ऑपरेटर भी करके दिखा देता हूँ। अब देखो नीचे का एरर क्लियर हो गया तो इंपोर्ट वाले का एरर शुरू हो गया। ठीक है, तो आप इसके लिए बहुत कन्फ्यूज मत होना, आप सिर्फ RxJS लिख लेंगे तो उसके अंदर की सारी लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये होता है मेन चीज़ कि आप कहाँ से वो फाइल उठा रहे, इसीलिए यूज लिखा है देखो कि फ्रॉम। ठीक है, तो RxJS मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अभी ऐसे रहने देता हूँ, अब आता हूँ रिटर्न करता हूँ तो दिखाता हूँ रिटर्न। अब देखो एरर दूर हो गया ऑब्जर्वेबल का, दिस डॉट और यहाँ पे मैं HTTP के थ्रू गेट करूँगा। ठीक है, तो HTTP.get इतने सारे मेथड्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं HTTP की। ठीक है, गेट किया, गेट में सिंगल आर्गूमेंट चाहिए, सिंगल आर्गूमेंट में क्या होगा आपका ये
पहले बैक करता हूँ, ये वाला यूआरएल होगा ठीक है, क्योंकि मुझे कम्प्लीटली डेटा चाहिए। तो ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद अभी देखो एरर है, क्योंकि गेट को मतलब किसके थ्रू गेट करना है, कोई इंटरफेस यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर आर्गुमेंट डिफाइन किया है, तो यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा इस रेस्टोरेंट टाइप का। कॉपी करके यहाँ पेस्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और एरे ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब हमारा यहाँ पे सारे नॉट असाइनेबल अदर डिड यू मीन एनी, ये एरर नहीं देना चाहिए, क्यों एरर दे रहा है। यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है इसी वजह से एरर, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। रेस्टोरेंट से ठीक है, ऑब्जर्वेबल टाइप का ये भी सही है, गेट ऑल किया, अच्छा यहाँ से इसको हटा देता हूँ ठीक है, अभी हटा देता हूँ, लेकिन अभी जब मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा तो लगा दूँगा, नहीं तब तक ये एरर क्रिएट करेगा ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से हटा दिया हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखो जब मैं यहाँ से हटा दिया हूँ तो अभी सब्सक्राइब करूँगा तो वहाँ पे भी एरर देगा, इसके लिए परेशान मत होना, बहुत ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा सीन क्या होता है इसके एरे के साथ ठीक है। अब आता हूँ अपने डैशबोर्ड के एचटीएमएल पे। अब यहाँ पे एचटीएमएल में मुझे टेबल बनाना है, तो टेबल पे आता हूँ ये टेबल पे, और इस टेबल पे आने के बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी एपीआई को हम यूज़ करेंगे। इतने सारे तरीके से टेबल हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल रखे हैं टेबल के, तो आप जो भी टेबल्स इसमें यूज़ करना चाहो वो टेबल आप यूज़ कर सकते हो। इसके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। मैं पर्सनली इस समय जो देखो इसकी एपीआई को पहले कॉपी कर लेता हूँ तो आपको बताता हूँ। इसको कॉपी करके पहले यहाँ पे 16 पॉइंट डाल देता हूँ ना, 16 पॉइंट में मैं डाल देता हूँ डिज़ाइन डैशबोर्ड टेबल यूजिंग एंगुलर मटेरियल ठीक है। मैं बता रहा हूँ इस समय करेंटली मैं एंगुलर मटेरियल पे ही वर्क कर रहा हूँ, ईआरपी पे वर्क कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा शानदार फीचर है एंगुलर मटेरियल का, जो समझ लिया जान लो कि एंगुलर का महान बन गया ठीक है, एंगुलर का मटेरियल यूज करना ठीक है। चलिए अब आते हैं उस एपीआई को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखो टेबल एपीआई को, और इसको इम्पोर्ट एरे के अंदर भी पास कर देते हैं। इम्पोर्ट एरे के अंदर पास करने के बाद अब हम उस टेबल को यूज कर सकते हैं ठीक है। अब सेव कर दिए, अब हम टेबल यूज़ करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं कम्प्लीटली। अब हम ये टेबल पूरा का पूरा कॉपी करके, इसका कोड पूरा कॉपी करके अपने HTML कोड पे मैं पेस्ट करके यूज कर सकता हूँ। इसमें से कोई सा भी मैं यूज कर सकता हूँ, API यूज कर लिया ना, अब कोई सा भी आप गेट व्यू सोर्स कोड पे जाना और उसका टेम्पलेट उठाना और कॉपी करके पेस्ट कर देना ठीक है। इसमें देखो ये फीचर है ड्रॉप डाउन का, तो बहुत सारे हैं, एक तो है फिल्टर करने का है, बहुत शानदार मुझे लगा ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आप अपने तरीके से यूज़ करना। इसमें देखो लिखा है यूज़ डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर जब इसको यूज़ करना तो डिस्प्ले फ्लेक्स रखना आप, नहीं तो यूज़ नहीं करोगे। फिलहाल इसमें मैं डिस्प्ले फ्लेक्स रखूँगा। अभी दे डिज़ाइन डैशबोर्ड यूजिंग टेबल एंगुलर मटेरियल ठीक है, एंगुलर मटेरियल के थ्रू डिज़ाइन करेंगे। तो अपने एंगुलर मटेरियल की वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर हम टेबल की API को कॉल करेंगे। टेबल की API यहाँ पर आपको मिल जाएगा, रेफरेंस API, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं। वन बाय वन सारे टेबल मैं दिखा देता हूँ, जो भी टेबल आपको चूज करना हो वो टेबल आप चूज कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे टेबल में बहुत सारी फैसिलिटी है, फिल्टरिंग करना, सर्चिंग करना, सॉर्टिंग करना, तो अभी इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बेसिक टेबल हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस टेबल को, इस पे व्यू कोड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा कोड रहा, इस कोड को सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद अपने डैशबोर्ड कंपोनेंट डॉट HTML पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का एरर आएगा, सबसे पहले ये अननेसेसरी कमेंट्स जो लिखे हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारे, और ये सिंबल कॉलम का। अब इसके बाद यहाँ पे जो बाकी सारे एरर्स आ रहे हैं, जैसे डेटा सोर्स से बाइंड हुआ है, तो बेसिकली ये एक्चुअल डेटा टाइम के लिए बाइंड हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जब डेटा मैं सब्सक्राइब करूँगा तो इस वेरिएबल पे होल्ड करूँगा। तो यहाँ पे देता हूँ ऑल रेस्टोरेंट, और ऑल रेस्टोरेंट को मैं अपने इंटरफेस से
अपने इंटरफेस से कनेक्ट करूँगा कोलन रेस्टोरेंट एरो ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू एरे, ठीक है, एज ए ब्लैंक एरे में डिफाइन कर रहा हूँ और इसी पे मैं सारा का सारा डेटा होल्ड करूँगा। अब इस वेरिएबल को मैं सिंपली कॉपी करके जहाँ पर मेरा डेटा सोर्स बाइंड हो रहा है इस पर मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर देने के बाद ये एरर दूर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो डेटा की होती हैं, डेटा के सेल होते हैं, कॉलम होते हैं, वो भी नीचे डिफाइन हुए होते हैं, तो इसको भी अभी फिक्स कर देता हूँ। यहाँ देखो मैट कॉलम डिफाइन है ना, तो यह देखो नीचे सबसे लास्ट में एरर दिखा रहा है, ठीक है, रेड रेड कलर दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि सबसे बॉटम पर हमारा एरर है। इसके TS पे आते हैं, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका TS देख लेते हैं, यहाँ TS पे आएंगे सबसे लास्ट में और ये रहा हमारा डिस्प्ले कॉलम, ठीक है। ये जो डिस्प्ले कॉलम है एक स्ट्रिंग एरे लिया गया है और इस एरे में वो सारे डेटा लिखे हुए हैं, वो सारी की लिखी हुई हैं जो आपके टेबल में डेटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंपली आप कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद इसको आप अपने TS में एज ए वेरिएबल जहाँ पे आप डिफाइन किए हो वहाँ पे इसको भी डिफाइन कर लीजिए। मैंने सिंपली कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब इसको देखो एरर सारा दूर हो गया है, बट इसको रिप्लेस कर दूंगा अपने डेटा के अकॉर्डिंग। तो सपोज़ ID है, नेम है, ऑनर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है और लोकेशन है। तो एरे के अंदर सारे के सारे की मैं यहाँ पास कर दे रहा हूँ। एक्चुअली हमें मैच करना होता है कि इस की के नीचे हमारा उसका डिटेल दिखेगी, उस कॉलम का सारा डेटा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने सारे कीज़ यहाँ पे पुट कर दिए हैं, ID, नेम, ऑनर, मोबाइल, ईमेल एंड लोकेशन। तो इतने ही हमारे पास डेटा आने वाले हैं। अब आते हैं अपने HTML में फिर से और यहाँ पे मैट कॉलम डिफाइन जो हुआ है इसके नेम को भी हम एक्सचेंज करेंगे अपने की के बिहाफ पे। तो सबसे पहला ID है, ID लेता हूँ, दूसरा नेम है, सही है, तीसरे पे हम रखते हैं ऑनर क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट का कोई ना कोई ऑनर होगा, तो ऑनर यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हार्ड कोडेड है, आप कॉलम मैच करने के बाद यहाँ हार्ड कोडेड जो भी कॉलम नेम डालना चाहो वो डाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ सिंबल है तो यहाँ मैं मोबाइल डालता हूँ और मोबाइल को स्मॉल लेटर में यहाँ पे हमने की डिफाइन किया है, बट यहाँ पे जो सिंबल डिफाइन हुआ है TH टैग के अंदर इसको मैं कैपिटल से पुट करता हूँ, ठीक है। इसी को मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास ईमेल है एंड लोकेशन है, दो कॉलम अभी और हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा ईमेल, उसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल सॉरी लोकेशन, ठीक है। अभी हम इवेंट जो इंटरपोलेशन है अभी इसको हम नहीं टच करेंगे क्योंकि अभी देखेंगे तो ये थोड़ा सा एरर हो जाएगा क्योंकि अभी हमने डेटा को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक टेबल हमने बना लिया है और इसको मैं सेव करके एक बार आपको दिखाऊँगा। लोकेशन का L कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। सेव करके एक बार मैं आउटपुट दिखा देता हूँ कि ये टेबल हमारा शो कर रहा है कि नहीं हमारे आउटपुट विंडो में, क्योंकि एंगुलर मटेरियल का जो टेबल होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लोगों को, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। देखो यहाँ पे नेम, ऑनर, मोबाइल, ईमेल, लोकेशन सारी चीज़ें आ गई हैं, बट लेकिन बहुत कंजेस्टेड है, तो इसको थोड़ा सा CSS से स्टाइलिंग करते हैं। सिंपली करना क्या है, इसके CSS वाले टैब पर आना है और यहाँ से टेबल की विड्थ डिफाइन कर देना है। जैसे यहाँ पे 100% है तो हम भी 100% इसको दे देते हैं। इसके CSS फाइल पे आते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे वही जो कोड कॉपी किए थे CSS का, ठीक है। सेव कर देते हैं, अब एक बार आउटपुट देखते हैं। अब देखो बहुत शानदार लगने लगा, यहाँ पे नेम, मोबाइल, ऑनर, ईमेल, लोकेशन सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही हैं और बहुत अच्छे से पैडिंग मार्जिन के साथ दिख रहे हैं, ठीक है। अभी इसको और हम मॉडिफाई करेंगे अपने CSS के बिहाफ पे, लेकिन उससे पहले अब बात आती है डेटा को सब्सक्राइब करके लाने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने नोटबुक में लिख दे रहे हैं नाउ सब्सक्राइब डेटा फ्रॉम सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज से हम अपना डेटा को सब्सक्राइब करने वाले हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब हुआ कि जो भी डेटा हमारे सर्विसेज के थ्रू हम API से फेच कर रहे हैं उसको अपने कंपोनेंट तक लेके आना, ठीक है, उसी को बोलते हैं सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम एक नया मेथड बनाते हैं गेट ऑल डेटा, या फिर गेट ऑल दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो अपने बिहाफ पे रख सकते हो। मैं यहाँ पर रखता हूँ गेट ऑल रेस्टोरेंट क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर सिंपली हम
पहले सर्विस कॉल कर चुके हैं, इंजेक्ट कर चुके हैं, तो अब हम सिंपली टाइप करेंगे दिस डॉट उसके बाद यहाँ पे हम सर्विस का नेम देते हैं रेस्टोरेंट डॉट गेट ऑल, क्योंकि गेट ऑल मेथड वहाँ हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे सिंपली डॉट सब्सक्राइब यूज़ करेंगे, यहाँ पे सब्सक्राइब यूज़ करेंगे। सब्सक्राइब यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम डेटा को एरो बैक फंक्शन के साथ हम इनिशियलाइज़ करेंगे। किस पे इनिशियलाइज़ करेंगे? जो हमने ऑल रेस्टोरेंट वेरिएबल लिया है इस पे, ठीक है। तो ऑल रेस्टोरेंट्स इज़ इक्वल टू डेटा कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा हमारे ऑल रेस्टोरेंट वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। अब एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करते ही अभी देखो डेटा यहाँ पे नहीं दिखा। वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि इस मेथड को तो हमने कहीं कॉल ही नहीं किया, ठीक है। आपको कंसोल लॉग पे दिखाता हूँ, आपको डेटा मिल गया होगा। दिस डॉट ऑल रेस्टोरेंट करके दिखाता हूँ कंसोल लॉग करके, तो आपको कंसोल पे सारा का सारा डेटा दिखेगा जो कि हमारे API में है, स्टोर है। इंस्पेक्ट किया, कंसोल टैब पे आया और रिफ्रेश किया। अच्छा, अभी भी डेटा नहीं आ रहा। तो इसको मैं काम करते हैं, कॉपी करते हैं, एनजी ऑन यूनिट पे कॉल कर लेते हैं। एनजी ऑन यूनिट बेसिकली लाइफ साइकिल होके जो कि सेकंड टाइम रन होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्टर रन होता है, सेकंड टाइम पे हमारा एनजी ऑन यूनिट रन होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये हमारा जैसे ही पेज लोड होगा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, वहाँ देखेगा कौन कौन सर्विस हिट हुई है, कौन से सर्विसेज इंजेक्ट हुआ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमारा एनजी ऑन यूनिट कॉल होगा, तो हमारा सारा सारा डेटा कंसोल पे लाके दे देगा, ठीक है। तो जैसे ही देखो लोड हुआ, यहाँ दिखा दिया तीन डेटा, तीन ऑब्जेक्ट आए हैं और तीनों ऑब्जेक्ट में नेम आ रहा है देखो, हमारे टेबल पे भी प्रिंट होने लगा। इसका मतलब है कि कंसोल पे तो सारे डेटा दिख रहे हैं बट हमें क्या नहीं, टेबल पे हमारे डेटा नहीं आ रहे हैं। तो टेबल पे डेटा ना आने का रीज़न ये है कि हमने सही से इंटरपोलेशन नहीं किया। तो सही से इंटरपोलेशन करने के लिए फिर से हम HTML पे आते हैं, और यहाँ पर जैसे ID पे पोजीशन लिखा है तो यहाँ पे मैं पास करूँगा ID, नेम सही है, यहाँ पे मैं पास करूँगा ऑनर, और यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ मोबाइल, इस पे मैं पास करूँगा ईमेल, और नेक्स्ट मैं पास करने वाला हूँ लोकेशन, वन सेकेंड करली ब्रैकेट, एक एक मिस हो जा रहा है आई थिंक, तो इसको पहले फिक्स कर लेते हैं नहीं तो भी एरर देगा यही। अब यहाँ पर हम लोकेशन दे देते हैं, लोकेशन का L स्मॉल है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ईमेल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ईमेल ना आए, क्योंकि ईमेल में मुझे कंसोल पे डेटा अजीब तरीके से दिख रहा है, ठीक है। देखो सारे डेटा आ रहे हैं पर ईमेल नहीं आ रहा। ईमेल इसलिए नहीं आ रहा, अभी आपको कंसोल पे दिखाते हैं। मोबाइल के नीचे मोबाइल नंबर आ रहे हैं, लोकेशन के नीचे सारे लोकेशन आ रहे हैं, बट ईमेल मिस है। अब देखो ईमेल के नीचे यहाँ डबल कॉलन ऐड हुआ है, ठीक है। अब ये डबल कॉलन की वजह से ये डेटा को रीड नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज हो रहा है कि सिस्टम की मैं ईमेल की जगह पे क्या दिखाऊँ, ठीक है। तो इस वजह से डेटा हमारा दिख नहीं रहा, बाकी कंसोल पे डेटा सारे आ रहे हैं। तो अपने हम फिर से आते हैं db.json फाइल में, ठीक है। db.json फाइल में आते हैं और देखो ईमेल के आगे हमने कॉलन लगाया, उसके बाद फिर भी कॉलन लगाया, तो एक एक कॉलन हटा देते हैं, जो डबल कोट के अंदर हैं कॉलन उन सारे कॉलन को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और सेव कर देता हूँ। एक बार सेव करने के बाद एक बार और चेक करता हूँ, पेज जैसे हमारा रीलोड होगा ऑटोमेटिकली ये इसको आ जाना चाहिए। तो एक बार फिर से देखते हैं पेज हमारा लोड हुआ कि नहीं, पेज लोड हुआ है, सही है। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ गड़बड़ी है। तो एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को, ठीक है। जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार देख लेते हैं क्या ईमेल आ गया, देखो ठीक है। तो अब हमारा सारा सारा डेटा परफेक्टली दिख रहा है। अब बस बचा क्या है, थोड़ा सा पहले डिज़ाइन करना, उसके बाद हम यहाँ पे एक्शन बटन वगैरह यूज़ करके हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, सही एडिट वगैरह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इस पूरे प्रोजेक्ट में एक स्पेशल चीज़ ये है कि बिना फॉर्म कंट्रोल के आप यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिना फॉर्म कंट्रोल के, बिना कोई फॉर्म के यूज करने वाले हैं आप। तो अब आते हैं हम ग्लोबली स्टाइल शीट में, और यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने मतलब कंटेनर को डिज़ाइन करेंगे थोड़ा सा।
तो यहाँ पे क्लास में दे देता हूँ कंटेनर, और कंटेनर का डिस्प्ले में देता हूँ फ्लेक्स रख देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट भी मैं सेंटर ही रखूँगा, जिससे कि हमारा सारा का सारा चीज़ सेंट्रलाइज रहे, सारा डेटा हमारे सेंटर पे दिखे, थोड़ा सा लुक एंड फील आएगा इससे, नहीं तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो यहाँ सिंपली कंटेनर क्लास को मैं यहाँ डिफाइन कर दिया, अलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ को मैं सेंटर रख देता हूँ। सेंटर रखने के बाद अभी यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत माइनर सा इफेक्ट दिखे, ज़्यादा दिखे ही ना, देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा ना। अब हम एक काम करते हैं, अपने CSS फाइल पे जाते हैं और जो इसकी विड्थ है 100% उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले कंटेनर क्लास यूज़ करेंगे, तब हमारा यहाँ पे वो चीज़ दिखेगा। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, इन सारे को अभी मैं डिप पे करूँगा, उससे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे अपने CSS पे, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 80%, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा सेंट्रलाइज रहेगा, डेटा सही दिखना चाहिए। मान लो कभी लेफ्ट साइड में मुझे पूरा डैशबोर्ड बनाना पड़ा तो, ठीक है। अब देखो ये 80% भी दिख रहा है पर लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और इस पर एक सिंपली सा कंटेनर क्लास ले लेता हूँ। कंटेनर लेने के बाद इस ड्यू को लास्ट में क्लोज कर दूंगा और सेव करके एक बार चेक करता हूँ कि अब हमारा आउटपुट कैसा है। देखो अब सेंटर पे आ गया ना, एकदम बीचों बीच पे आ गया हमारा सारा डेटा, नंबर आ रहा है, नेम, ऑनर, मोबाइल, ईमेल, लोकेशन, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली दिख रही है, बस ऊपर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो आई थिंक इट शुड बी टेक पैडिंग टॉप, ठीक है। पैडिंग टॉप देने के पे हो सकता है कि थोड़ा सा और अच्छा सा दिखे हमारा डेटा। तो चलो इसको और भी अच्छे से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा लुक एंड फील आए इस पर। तो एक काम करते हैं, एक नया क्लास ले लेते हैं ऑल रेस्टोरेंट नाम से, जिससे कि ऑल रेस्टोरेंट का जो डेटा दिख रहा है उस पर हमें कुछ CSS की स्टाइलिंग करने की ज़रूरत है, जैसे पैडिंग देना है। सबसे पहले पैडिंग देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ 20 pixels। और इस ऑल रेस्टोरेंट क्लास को मैं कॉल कर लेता हूँ अपने कंटेनर पे डायरेक्टली, ठीक है। कंटेनर पे कॉल करने से क्या होगा कि थोड़ा टॉप से गैप हो जाएगा। उसके बाद देखो जैसे सेव करके रिफ्रेश किया, देखो टॉप पे थोड़ा सा गैप हो गया, अभी सही है। क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम ऐड फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं। ऐड फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए अभी हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, बटन्स बनाएंगे, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सिंपली ये हमारा डेटा टेबल, डैशबोर्ड का डेटा टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड एडिट, इन सारी फंक्शनलिटी धीरे धीरे हम ऐड करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कुछ एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं इसको ठीक है। हम एक काम करते हैं, अपने सबसे पहले component.ts पे आते हैं और यहाँ पे हमने डेटा को सिर्फ सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। डेटा को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर अब हम एक बटन बनाएंगे, बटन बनाने के बाद फिर कंपोनेंट बनाएंगे, कंपोनेंट बनाने के बाद तब इसमें हम सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे 18th point हम नोट करते हैं, ठीक है। 18th point में सिंपली लिख रहे हैं नाउ इट्स टाइम टू ऐड रेस्टोरेंट, डबल कोट में कर देता हूँ ऐड रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ऐड रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स के लिए हम यहाँ पर सारी फंक्शनलिटी करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट डिज़ाइन डैशबोर्ड का डिज़ाइन कंप्लीट है। तो सबसे पहले फाइल पे आते हैं, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करते हैं इसी लोकेशन पे, और यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ngGC ऐड रेस्टोरेंट। जी फॉर जनरेट होता है, सी फॉर कंपोनेंट होता है, और कंपोनेंट नेम हम यहाँ पे दे देते हैं ऐड रेस्टोरेंट का। --skip-test बेसिकली --skip-test देने से जो हमारी स्पेक फाइल बनती है वो फाइल नहीं आएगी, मतलब टेस्टिंग वाली फाइल हमारी जनरेट नहीं होगी। ओनली 3 files जनरेट होगी, HTML, CSS एंड TS फाइल। बस इन्हीं 3 file पे हमें वर्क करना है, तो यही 3 file हमारी जनरेट होती है ये कमांड हिट करने से।
अगर आप लोग नहीं नोट किए हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, सबसे बेस्ट है ये चीज़। अब हमारा तीन फाइल ही क्रिएट हुए, देखो .html, .ts एंड .css की। अब इन्हीं तीनों फाइलों पे हमें वर्क करना है। अब देखो यहाँ, आप देखो एक ऐड रेस्टोरेंट नाम का कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले ऐड रेस्टोरेंट पे अब वर्क करने वाले हैं। तो ऐड रेस्टोरेंट के वर्क करने से पहले हम इसकी राउटिंग करेंगे, ठीक है। राउटिंग करने के लिए हम अपने ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस पे आते हैं, और जैसे हमने पहला डैशबोर्ड को किया था उसी तरीके से यहाँ पे हम पाथ देंगे सबसे पहले, और पाथ पर सिंपली हम पास करेंगे स्ट्रिंग सिंगल कोट के अंदर ऐड रेस्टोरेंट। यहाँ पे सारी चीज़ें कोशिश करना स्मॉल लेटर में करना, क्योंकि इन फ्यूचर आप कोई भी एप्लीकेशन आप गूगल या कहीं किसी वेबसाइट पे होस्टिंग करना चाहो तो आपको SEO करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऐड रेस्टोरेंट कॉमा कंपोनेंट नेम में ऐड रेस्टोरेंट का नाम दे दूँगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा टॉप पर इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐड रेस्टोरेंट जैसे दिया, देखो ऊपर इम्पोर्ट हो चुका है ईजिली तरीके से, और सेव कर देना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस पे आके इसका मतलब एक आइडेंटिटी डिफाइन कर दिए कि ऐड रेस्टोरेंट पे अगर मैं कभी राउट करूँगा तो मुझे यही वाला कंपोनेंट ओपन करके हमारा ये एप्लीकेशन देगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये राउट होता है, एक पाथ होता है सेट करना, ठीक है। अब इसको हम अपने तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जहाँ भी चाहें। तो अब इससे पहले आते हैं अपने सर्विसेज पे, और सर्विसेज पे आने के बाद यहाँ पे हम पहले पोस्ट करने के लिए मेथड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कमेंट में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऐड रिकॉर्ड्स। ऐड रिकॉर्ड्स के अंदर एक क्रिएट का मेथड बनाऊँगा, और इस क्रिएट के मेथड पे हम पोस्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैंने टॉप पे किया है, इसको भी ऑब्जर्वेबल टाइप का बनाऊँगा, क्योंकि डेटा को ये ऑब्जर्व करेगा हमारे, ठीक है। API के जो भी डेटा होगा उसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद उसको हमारे इंटरफेस के बिहाफ पे उसको सेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑब्जर्वेबल, एंगुलर ब्रैकेट में यूज़ करता हूँ, और यहाँ देता हूँ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, ठीक है। और एज यूजुअल यहाँ पे भी हम एरे के फॉर्म में ही डेटा हम सेंड करते हैं, तो एरे के फॉर्म में डेटा सेंड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। पोस्ट में हमेशा दो आर्गुमेंट होता है, और दो आर्गुमेंट में सबसे पहला तो आपका API का लिंक होगा, दूसरा आपका पेलोड होगा या आपका डेटा होगा। आप जो भी नेम देना चाहो वो नेम पास कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डबल कोट में यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हम API का लिंक पास करेंगे, दूसरा हम यहाँ पे एक पेलोड पास करेंगे। उस पेलोड पे बेसिकली हमारा सारा सारा जो भी लोड हुआ डेटा रहेगा फॉर्म में, वो सारा डेटा जाएगा। तो मैं एज ए रेफरेंस वेरिएबल आर्गुमेंट लेता हूँ यहाँ पर पेलोड, जो कि मैं दे देता हूँ रेस्टोरेंट टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपली यही URL कॉपी किया और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी भी एरर है, क्योंकि यहाँ पे दो आर्गुमेंट चाहिए। अब यहाँ पे मैं पास करूँगा पेलोड, ठीक है। बेसिकली हमने पोस्ट करने का भी API लिख लिया है। इसी तरीके से अभी आगे हम एडिट करने का भी देखेंगे, अपडेट करने का भी देखेंगे, डिलीट का भी देखेंगे, इसी में सारे API लिखेंगे। सर्विसेज के अंदर सारे मेथड्स लिखे होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ऐड रेस्टोरेंट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML पे, ठीक है। और इसके अंदर हम डिज़ाइन करने वाले हैं अपने कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले CSS पे आके यहाँ पे कंटेनर, एक सेकेंड, ड्यू यहाँ पे कंपोनेंट के एलिमेंट कॉल नहीं हो रहा। अच्छा, ये CSS फाइल थी, सॉरी। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अपने HTML फाइल पे। जैसे ही यहाँ लिखेंगे डॉट कंटेनर तो ऑटोमेटिकली ये कंटेनर ड्यू बनाएगा, और ड्यू की क्लास कंटेनर सेट कर देगा, ठीक है। ये फंक्शनलिटी आपके भी विजुअल स्टूडियो कोड में होगी, नहीं होगी तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, हो जाएगी। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एक फॉर्म को,
ठीक है, ऐड करने के लिए हमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। वो फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा? एंगुलर मटेरियल के अंदर ही मिलेगा। तो हम एंगुलर मटेरियल के अंदर आते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले पिक करने वाले हैं एक फॉर्म फील्ड को। ठीक है, फॉर्म फील्ड का बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि मैंने बताया टेबल के एग्जांपल है, वैसे यहाँ पे फॉर्म फील्ड का भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ये सबसे लास्ट वाला बहुत अच्छा लगता है। इसमें देखो ये सारी फैसिलिटी ये सारी है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है ये कुछ अलग ही लुक एंड फील देता है। तो इसके व्यू कोड पे आते हैं और सबसे लास्ट वाले को हम पिक करने वाले हैं। तो यहाँ से बहुत सारे, मतलब काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हो। ये एंगुलर मटेरियल लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंट की बहुत अच्छी खूबी है। और यहाँ से सबसे पहले तो हम एपीआई कॉल करेंगे, क्योंकि एपीआई रेफरेंस एपीआई होती है, बिना रेफरेंस एपीआई के हम इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एपीआई हम अपने ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट एरे के अंदर भी इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इंपोर्ट किया, उसके बाद यहाँ पर कॉमा ऐड किया और यहाँ पर हमने इंपोर्ट करके सेव कर दिया। अब हम आते हैं फिर से अपने HTML में। अभी CSS की फाइल की ज़रूरत नहीं है हमको। अब हम वहाँ से सारा का सारा कोड कॉपी कर सकते हैं जो कंपोनेंट का है। ठीक है, फॉर्म फील्ड के कंपोनेंट का है, वहाँ का सारा कोड हम कॉपी करके यूज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट में। तो फिर से आते हैं इसी वेबसाइट पे और ओवरव्यू पे आते हैं, और यहाँ पर हम जो भी हमको पसंद आता है फॉर्म फील्ड, इस वाले फॉर्म फील्ड को, क्योंकि इसका आउटलाइन बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसी को चूज करूँगा। लास्ट वाले टैग को कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद इसको सिंपली यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद अननेसेसरी चीज़ें हटा दूँगा, जैसे मैट हिंट है, क्योंकि ये हमारे किसी काम का ही नहीं है। मैट सफिक्स है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो जो चीज़ अननेसेसरी है उनको मैं हटा दूँगा और जो चीज़ काम की है बस वही रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्म फील्ड मिलेगा, फॉर्म फील्ड के अंदर मैट लेबल, मैट लेबल के लिए बाद इनपुट, बाकी चीज़ें अननेसेसरी थी मैं इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे इसी तरीके से आप इसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, नेम, ऑनर, फॉर्म में जो जो डेटा आपको यूज़फुल लगे उसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट करके आप यूज़ कर लेना अपने तरीके से। यहाँ पे मैं तो सिंपली कॉपी पेस्ट ही करके यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे दे देता हूँ रेस्टोरेंट नेम, रेस्टोरेंट नेम देने के बाद यहाँ पे जो आउटलाइन फॉर्म फील्ड है इस पर भी मैं पुट कर देता हूँ रेस्टोरेंट नेम, और इसको सेव कर देता हूँ एक बार। सेव करने के बाद यहाँ पे इनपुट पे आते हैं। इनपुट पे आने के बाद यहाँ पे हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इनपुट फील्ड भी हमारा एपीआई के रेफरेंस से ही चलता है। मैंने बोला जो भी चीज़ आपको, जो भी कंपोनेंट पे यूज़ करना होगा उन सारी चीज़ को आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट किया और इस मॉड्यूल को इंपोर्ट एरे के अंदर इसको भी मैं यहाँ पास कर देता हूँ। सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद हम सेव कर लेते हैं इसको। फिर से आते हैं अपने अगेन, कहाँ क्या हमारा बटन, बटन की API वैसे हमने पहले इंपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता शायद ना हुई हो। तो इसका API रेफरेंस कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करके देखते हैं, अगर कॉपी होगा तो पहले से बता देगा। देखो ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट है, तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अगर आपको बटन कर यूज़ करना है तो आपको के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने HTML में, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में, और वन सेकेंड, डैशबोर्ड का HTML पे जाना है मुझे, क्योंकि वहाँ पे एक बटन ऐड करनी है टॉप पर। ठीक है, तो ये बटन ऐड करने के लिए हम कौन, यही प्राइमरी बटन यूज करने वाले हैं जिसका कलर प्राइमरी है। सो बेसिकली यहाँ से हम बटन कॉपी कर लेते हैं
और कॉपी करने के बाद अपने डिब के अंदर डिब के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करेंगे कंटेनर के अंदर, कंटेनर लिया हमने, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका हाइपर रेफरेंस लिंक जो है इसको हम रिमूव करेंगे, टारगेट रिमूव करेंगे और यहाँ पे कलर हम रखेंगे प्राइमरी, और प्राइमरी कलर के बाद हम यहाँ पे हम देने वाले हैं जो इसमें डेटा जो कि राउटर लिंक पे सेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लास हम ऑल रेस्टोरेंट का रख देते हैं और यहाँ पे इसका नेम रीनेम कर देते हैं, ऐड रेस्टोरेंट दे देते हैं, ऐड रेस्टोरेंट। यहाँ प्लस का सिंबल ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देखो कितना प्यारा सा बटन आ गया, टॉप पे भी पैडिंग है, बॉटम पे भी पैडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम राउटर लिंक देते हैं, जैसे क्लिक करें हमारा ऐड रेस्टोरेंट का पेज ही ओपन करें, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर लिंक इज इक्वल टू / ऐड रेस्टोरेंट हम देते हैं, उसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। राउटिंग से हम एक बार कॉपी करके कन्फर्म कर देते हैं, क्या पता कोई वर्ड मिस्टेक हुआ तो एक बार में रिडायरेक्ट नहीं करेगा, जो कि अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपली कॉपी करके हम पेस्ट कर दिए जो हमने राउटिंग में डिफाइन किया था पाथ, सेव किया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे इसे रिडायरेक्ट करना चाहिए ऐड रेस्टोरेंट वाले कंपोनेंट पे, ठीक है। ये बटन हमारा बन के तैयार हो गया, चलो क्लिक करते हैं। देखो ऐड रेस्टोरेंट पर आ गया, देखो फॉर्म का सबसे पहला चीज़ दिख रहा है यहाँ पर रेस्टोरेंट नेम, तो इसका मतलब है कि राउटिंग हमारा सेट हो गया। अब बात आती है फॉर्म की, ऐड रेस्टोरेंट के फॉर्म की, तो ऐड रेस्टोरेंट का फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। जैसा कि मैंने बोला मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो जो फील्ड्स हो अपने फील्ड्स के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पे ऑनर चाहिए मुझे, मोबाइल चाहिए, तो इन सारी चीज़ को हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली पुट कर दे रहे हैं। अगर आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आप स्टेप के बिहाफ पे ही करिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम ऑफ ऑनर, तो आप भी नेम ऑफ ऑनर लिख सकते हैं। रेस्टोरेंट में जो भी मोबाइल या फ़ोन रहता है उसका फ़ोन नंबर की डिटेल चाहिए होगी, तो यहाँ पे दे देते हैं मोबाइल नंबर। इसी तरीके से यहाँ पर ईमेल आईडी चाहिए होगी, तो यहाँ पे दे देते हैं रेस्टोरेंट ईमेल। और प्लेस होल्डर पर डालना मस्ट है, क्योंकि प्लेस होल्डर बहुत ज़्यादा लुक एंड फील देता है इसका, और इसका जो मैट लेवल है वो भी बहुत अच्छा लुक एंड फील देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने अपीयरेंस में आउटलाइन सेलेक्ट किया है। आउटलाइन की खासियत होती है कि मैट लेवल को टॉप पे सेट कर देगा और प्लेस होल्डर को उससे थोड़ा नीचे रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लुक एंड फील देता है एंगुलर मटेरियल का ये फॉर्म फील्ड, तो इसलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ प्लेस होल्डर पर एज ए एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने दिया रेस्टोरेंट नेम पे तो XYZ फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, ऑनर नेम में तो मिस्टर जॉन स्मिथ, जो भी रखना चाहो आप वो रख सकते हो यहाँ पे। मोबाइल नंबर पे +91 समथिंग समथिंग यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। इसी तरीके से ईमेल आईडी पे abc@restaurant.com, क्योंकि सबका रेस्टोरेंट का अपना सब डोमेन होता है, तो अपने सब डोमेन के भी हाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे कुछ डमी प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअल। यहाँ पर लास्ट में मुझे लोकेशन टाइप करना था और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एज ए लोकेशन पे, कुछ भी आप देना चाहो, जो भी देना चाहो। तो मैं यहाँ पे ऐसी डमी लोकेशन डाल देता हूँ। अब इसके बाद एक इसको मैं सेव करके दिखा देता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। एक बार इसको पेज को रिलोड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा टेबल दिख रहा है, ऐड बटन का ऑप्शन आ रहा है। अब इस ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सारे फॉर्म्स आ रहे हैं बट इन लाइन में आ रहे हैं। मुझे इन लाइन में नहीं चाहिए, मुझे वन बाय वन स्टेप वाइज चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है एक के नीचे एक इस तरीके से ये, तो मुझे इन लाइन नहीं करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें CSS यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी डिव यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलो हम इसके लिए डिव भी यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करते हैं और इसका जो डिव क्लोज हो रहा है उसको सबसे बॉटम पे कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करते हैं। ये डिव हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, अभी इसको उठा के यहाँ इसके अंदर रख दे देते हैं। इसी तरीके से सारे फॉर्म सारे फील्ड को
एक डिव के अंदर पैक कर दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा सेपरेटली हो जाएगा, तो वन बाई वन ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ पे सब दिखने लगेगा एक एक फॉर्म की फील्ड इसमें हमको। तो यहाँ पे इसको कट किए और इस ड्यू के अंदर पेस्ट कर दिए। अगेन हम एक ड्यू क्रिएट कर रहे हैं, अब इसके अंदर हमको पेस्ट करना है, तो इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर से अगेन ड्यू क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देंगे। अब एक बार आउटपुट देखते हैं इसको, देखो अब सीक्वेंस लग रहा है ना वन बाई वन, तो इस तरीके से हमें इसको सेट करना था। लेकिन अभी ये हमारा फॉर्म बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा लुक एंड फील दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो सीएसएस पे इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, अपने सीएसएस फाइल पे आते हैं और यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं अपने क्लासेस को। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं फॉर्म एलिमेंट का। इस फॉर्म एलिमेंट में बेसिकली हम सबसे पहले विड्थ ही सेट करते हैं, क्योंकि विड्थ बहुत अच्छा नहीं है, तो हम इसको 500 पिक्सल रखते हैं। और इस क्लास को हम सभी फॉर्म एलिमेंट में, फॉर्म फील्ड में कॉल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो यहाँ पर देंगे तो क्लास, उप्स यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा, क्लास इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर इसको पास करना पड़ेगा। अब इसी को सेम हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं अपने सारे फॉर्म फील्ड में। तो बेसिकली इस फॉर्म फील्ड में ये क्लास लगाने से हमारा सारा सारा फॉर्म फील्ड थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको और जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा आपको ये फॉर्म फील्ड थोड़ा बड़े लगने लगे, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि पेज में इस तरीके का फॉर्म बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करेंगे। फिर से अगेन हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के सीएसएस में, इस क्लास को हम सिंपली कॉपी करके अपने सीएसएस में भी इसको पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को हम कॉपी करके यूज़ कर लेंगे अपने कंटेनर के ड्यू में, ड्यू के कंटेनर क्लास में। ठीक है, और सेव कर देते हैं। अब थोड़ा इससे पैडिंग टॉप में हो गया होगा, यहाँ पर हम एक H2 टैग लेते हैं और यहाँ डिफाइन करते हैं ऐड न्यू रेस्टोरेंट डिटेल हियर। बेसिकली ये फॉर्म किस लिए है, यूज़र्स को दिखना भी चाहिए ना कि ये फॉर्म किस किस लिए बनाया गया है, क्या कारण है इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे H2 टैग लेता हूँ, H2 टैग के अंदर दे देता हूँ ऐड न्यू रेस्टोरेंट डिटेल हियर और इसकी स्टाइलिंग दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, इसको रखते हैं सेंटर, जिससे कि जो भी टेक्स्ट हो यहाँ पे हमारा सेंट्रलाइज रहे। सेव कर देते हैं और ये क्या हो गया, हमको लगता है कि हमारी सीएस ड्यू कोई गड़बड़ हो गई, मैंने जो नीचे ड्यू डिलीट किया उससे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं, अभी कंसोल पे हमारा दिखा देगा एरर क्या है, क्योंकि कंसोल पे एरर तुरंत बताता है। कंसोल पे कोई एरर नहीं बता रहा, इसका मतलब है कि कुछ और एरर है। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ और इसको वैसे ही कर देता हूँ जैसे हमारा था डेटा ड्यू। अब यहाँ पे मैं काम करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे एक ड्यू बना के तब हम पास करके देखते हैं, क्या पता शायद इससे हमारा वर्क हो जाए। ऐड न्यू रेस्टोरेंट डिटेल्स हियर, हो सकता है इससे भी ना चले क्योंकि हमको कंटेनर के अंदर चाहिए। यहाँ पे स्टाइलिंग दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे रखते हैं सेंटर, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एक बार चेक करते हैं, ओके कुछ थोड़ा सही हुआ लेकिन अभी भी सही नहीं है। इसका मतलब है कि हमें ड्यू वहाँ पे चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो हम इस पूरे ड्यू को हम हटा देते हैं,
क्योंकि ये ड्यू हमारा क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। एक्स्ट्रा ड्यू जो बन रहा है ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम एक काम करते हैं, इस पूरे सेक्शन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसको भी रिमूव कर दिए, ठीक है। अब सेव करके चेक करते हैं इसको, हम यहाँ से एक काम करते हैं, कट किए, कट करने के बाद इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं हमारा ये चल जाना चाहिए 100%, इसको वर्क करना चाहिए, ठीक है। सेव कर दिए, सेव करने के बाद देखें हमारा टॉप पे आ गया ना, ऐड न्यू रेस्टोरेंट डिटेल है और उसके बाद हमारे सारे फॉर्म फील्ड है। अब यहाँ पे हमें दो बटन की ज़रूरत है और थोड़े से कुछ एक कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि बिना कार्ड के ये फॉर्म अजीब सा लग रहा है। तो बटन के लिए सबसे पहले हम बटन वाले सेक्शन पे ही हैं, तो यहाँ से हम बटन उठा लेते हैं कोई सा भी। यहाँ पे सिंपली एक बटन हम यूज़ करेंगे, उस बटन को सबसे बॉटम पे रखेंगे, उस बटन में ऐड रिकॉर्ड्स का डिटेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी ड्यू पे हम बना सकते हैं इसको। यहाँ पे हम एक ड्यू क्रिएट करते हैं और इस ड्यू के अंदर वो बटन पास कर देते हैं, और सबसे पहले इसका हम टाइप डिफाइन करते हैं, सबमिट टाइप का रहेगा, सॉरी बटन टाइप का रहेगा, और इस पर हम दे देते हैं ऐड रिकॉर्ड्स। अब इसको हम सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं, देखो हमारा बटन एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम सिक्वेंस से आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको एक कार्ड के अंदर करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा लगे कि हमारा ये फॉर्म सेपरेटली है, नहीं तो पूरे वाइड विंडो में देखो फॉर्म बहुत अजीब सा लग रहा है, ये फॉर्म फॉर्म टाइप लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसको हम कार्ड्स में ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं 19 पॉइंट यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, फाइनल डिज़ाइन फॉर्म यूजिंग कार्ड्स, ठीक है, यह फाइनल डिज़ाइन है हमारे फॉर्म का। तो कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स पे हम थोड़ा कार्ड इसमें ऐड कर देते हैं, यही सिंपल यही कार्ड हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसका शेडो वगैरह है तो सिंपली इसको हम यहाँ से कॉपी करके यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसकी रेफरेंस API कॉल करनी पड़ेगी अपने ऐप मॉडल .ts पे। तो हम सिंपली यहाँ इसको कॉल किए ऐप मॉडल पे आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद इसका मॉड्यूल अपने इम्पोर्ट एरे के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। सेव कर दिए, सेव करने के बाद अब आते हैं अपने HTML में फॉर्म के अंदर, और इन सारे फॉर्म के डेटा को हम कार्ड के अंदर रखने वाले हैं। तो यहाँ आप सिंपली डिफाइन करेंगे mat-card और इस कार्ड को हम क्लोज करेंगे सबसे लास्ट में ड्यू के ऊपर। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। देखो बहुत प्यारा सा बॉर्डर आउटलाइन दिख रहा है हमको, ठीक है, और यहाँ पे हमारी बटन एकदम क्लियर दिख रहे हैं। अब इसको हम अपनी API का डेटा देख लेते हैं, API में हमारे क्या क्या दिख रहा है, एक सेकेंड। सबसे पहले तो कार्ड में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि और कोई कार्ड में अगर हो तो उसको यूज़ कर लेते हैं। मैट कार्ड कंटेंट कार्ड टाइटल, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट सारे डन हो चुके हैं। अब हम नोट करने वाले हैं 20 पॉइंट डन। नाउ ऐड फंक्शनैलिटी ऑफ ऐड रिकॉर्ड्स। ऐड रिकॉर्ड्स के यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं, और उसके लिए सिंपली हमें करना क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म पे डेटा फिल करना होगा, उसके बाद ऐड करना होगा। इन सारी चीज़ के लिए हमने सर्विसेज में मेथड बना के रखा है। सिंपली अपने TS फाइल पे आते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स
रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स कोलन रेस्टोरेंट टाइप का, ठीक है। ये हमारा मॉडल आ गया इज इक्वल टू पेरेंट एज ए ऑब्जेक्ट टाइप में यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास आईडी है, नेम है, और मतलब सारे सारे डेटा हैं, आईडी, नेम, ओनर, ईमेल, मोबाइल नंबर, तो सारी चीज़ का एक हम एज ए रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आईडी पे ज़ीरो है, नेम पे ब्लैंक है, ऑनर पे हम ऑनर पे एज ए ब्लैंक ही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके हम यहाँ पर मोबाइल पे ब्लैंक ही रखेंगे, और मोबाइल के बाद हमारा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी ब्लैंक ही रखेंगे, और फाइनल में लोकेशन है, लोकेशन को ही भी हम ब्लैंक रखेंगे। और हम इसी के थ्रू हम यूज़ करेंगे अपना ऐड मतलब क्रिएट मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एन जी मॉडल यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एन जी मॉडल के बिना हम डेटा को पास नहीं कर सकते हैं एक कंपोनेंट से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम पास नहीं कर सकते ना दिखा सकते हैं, अगर हम फॉर्म कंट्रोल नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एन जी मॉडल बनाना ब्रैकेट के अंदर पास किए, और यहाँ पर हम सेम अपना वेरिएबल पास किए, वेरिएबल डॉट नेम, ठीक है। अब जो वैल्यू जिस तरीके से उसी तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि एन जी मॉडल प्रॉपर्टी बाइंड नहीं कर पा रहा, वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी आप एन जी मॉडल यूज़ करें उससे पहले आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे फॉर्म्स मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ पर हम इन सारी चीज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम वहाँ पर जाके हम पास कर देंगे फॉर्म्स मॉड्यूल को। तो यहाँ पे हमने मोबाइल रिकॉर्ड बाकी सारे डेटा के रिकॉर्ड्स को एन जी मॉडल के थ्रू हम बाइंड कर लेते हैं। एंड तो फाइनल यहाँ पे हम लोकेशन को भी हम बाइंड करेंगे एन जी मॉडल के थ्रू, और यहाँ पे पास करेंगे लोकेशन, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, अब बस हम सेव करेंगे। सेव करके इस पर हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम न्यू पॉइंट रखते हैं 21 पॉइंट, और इस पॉइंट में बेसिकली देखिए ऐड रिकॉर्ड्स की फंक्शनलिटी जो ऐड करनी है वो बेसिकली एन जी मॉडल के थ्रू करनी थी, लेकिन एन जी मॉडल जब भी आप यूज़ करना उससे पहले आप ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे जाके आपको करना ये है कि फॉर्म्स मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्म्स मॉड्यूल के एन जी मॉडल यूज़ नहीं होता। इसीलिए मैं 21st पॉइंट लिख दे रहा हूँ, एन जी मॉडल रिक्वायर टू इम्पोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल इन ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस, ठीक है। ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में मतलब ये करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो मतलब इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होगी, एरर आता रहेगा। अब देखो, अब जैसे हम वहाँ पर जाके ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे आते हैं और यहाँ पर फॉर्म्स मॉड्यूल इम्पोर्ट करते हैं, यहाँ मैंने दिया कॉमा फॉर्म्स मॉड्यूल, देखो आ गया। जैसे इंपोर्ट करके सेव करा, सारे एरर्स अभी दूर हो जाएंगे, देखो सारे एरर्स दूर हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ करके तब एन जी मॉड्यूल यूज़ करना, नहीं तो परेशान हो जाओ कि एरर क्यों आ रहा है, एरर सॉल्व नहीं हो रहा। तो इससे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट मत करना, आराम से, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़, इजी टू हैंडल है, ठीक है। तो सेव करते हैं, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर पे आते हैं, और सबसे पहले प्राइवेट तरीके से अपने सर्विस को इंजेक्ट करते हैं। मैं सर्विस का नाम यहाँ पे सोच रहा था रेस्टोरेंट लिखने से अच्छा आरएस लिख देता, रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। यहाँ पे आरएस लिखता हूँ, आरएस शॉर्ट नेम है रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि रेस्टोरेंट बड़ा सा लिखने पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत लंबा सा लग रहा है, बार हर जगह रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, तो कन्फ्यूजन हो रही है। अब यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल कर रहे हैं ऐड रिकॉर्ड्स का, ठीक है। बेसिकली ऐड रिकॉर्ड्स करेगा क्या, यहाँ पे हम डेटा को वहाँ से डेटा ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ से डेटा को सब्सक्राइब करेंगे, दिस डॉट आर एस डॉट क्रिएट, उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट, हम यही जो वेरिएबल लिए हैं ऑब्जेक्ट टाइप का रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स, इसको मैं कॉल करूँगा डॉट सब्सक्राइब पैरेंथेसिस, एंड अगेन पैरेंथेसिस में हम पास कर रहे हैं डेटा एरो पैक के साथ। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर ये आया क्योंकि यहाँ पे एरो फंक्शन, हाँ ठीक है,
अब सही है। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं राउटर का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे राउटर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम राउटर कर रहे थे तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिला है, सपोज मैंने प्राइवेट कीवर्ड लगाना भूल गया, ठीक है। तो अब देखो ऊपर इंपोर्ट तो हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे राउटर तब भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है, अहम रोल है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने राउटर कॉलन राउटर लिखा हूँ कंस्ट्रक्टर पे, तो यहाँ पे राउटर लिख रहा हूँ तो राउटर आ ही नहीं रहा कुछ भी, मेरा रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स दे रहा है। तो इस तरीके की भी गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि ऐसी गलती से आपका टाइम ही वेस्ट होगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो भी चीज़ करना प्योर एंड फ्रेश करना। देखो मैं रेस्टोरेंट भी लिख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, इसके आगे कोई सजेशन नहीं आने वाला, कुछ भी मैं नहीं लिख सकता। चलो मान लेता हूँ मैं हार्डली लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं दिस डॉट राउटर लिख दिया, राउटर के बाद नेविगेट लिख दूँ, नेविगेट बाय यूआरएल लिखूँ, लेकिन होने का ही नहीं वो, इस वजह से कि सिंपल सी बात है कि जब आप उसकी एक्चुअल कीवर्ड नहीं डाल रहे हो कि प्राइवेट है पब्लिक है किस तरीके का है, तो नहीं। देखो मैं यहाँ पर नेविगेट तक लिखा नहीं आ रहा, अब देखो यहाँ पर मैं डालता हूँ प्राइवेट, ठीक है। जैसे प्राइवेट डाला देखो एरर दूर हो गया। अब यहाँ पे सजेशन पे भी आ जाएगा, देखो ये सजेशन भी आ रहा है, नेविगेट बाय यूआरएल नेविगेट, तो यहाँ पे हम नेविगेट करूँगा, नेविगेट बाय यूआरएल नहीं करूँगा, क्योंकि हम यूआरएल पे नहीं नेविगेट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो हम डायरेक्टली इसको नेविगेट कहाँ कराएंगे, अपने डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड पर कराने के लिए हम यहाँ पर नेविगेट यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है ना, ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे असाइनेबल नहीं है, तो आप इसको यहाँ से फिक्स नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल परेशान हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, नेविगेट बाय यूआरएल नहीं, आपको सिंपली नेविगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एक काम करते हैं, हटा देते हैं। देखो यहाँ से आ रहा है ना रिमूव ब्रैकेट्स, यहाँ ब्रैकेट रिमूव करने के लिए हमें सजेशन दे रहा है कि ये ब्रैकेट की आपको ज़रूरत नहीं है, यू कैन रिमूव दिस एरो ब्रैकेट, बट आपको ये समझाना था मुझे कि नेविगेट एंड नेविगेट बाय यूआरएल, बाय यूआरएल तब यूज होता है जब आप यूआरएल का फॉर्म में डेटा को नेविगेट कराते हो, ठीक है। लेकिन जब आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पर नेविगेट करा रहे हो, डायरेक्टली हिट करा रहे हो कि नहीं भैया हमें डैशबोर्ड पर हिट करना है, तो उस केस पर आप सिंपली नेविगेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सबसे पहले इसको हटाते हैं, यहाँ से नेविगेट रखते हैं, अब इसके बाद हम स्लैश पास करते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। देखो एकदम सिंपल रहा, कितना इजी तरीके से रहा। अब इसको हम इस मेथड को यहाँ सिंपली कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अपने ऐड रिकॉर्ड्स जहाँ बटन है यहाँ पर क्लिक मेथड के थ्रू कॉल कर लेंगे। मैंने लिखा CLICK इज इक्वल टू ऐड रिकॉर्ड्स, सेव कर दिया। अब आती है बारी चेक करने की कि क्या ये हमारा मेथड वर्क कर रहा है। सो सिंपली मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ एक डेटा, चलो यहाँ पे मैं पास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंसोल का कोई काम नहीं, तो मैं यहाँ दे देता हूँ न्यू फूड रेस्टोरेंट, ऑनर नेम मैं दे देता हूँ मिस्टर विश, और यहाँ पे मैं देता हूँ मोबाइल नंबर पे ऐसे ही नंबर प्रेस कर देता हूँ 9199778899252, ऐसे कुछ भी डाल देता हूँ। रेस्टोरेंट का ईमेल आईडी पे दे देता हूँ newfood@restaurant.com, और इसी तरीके से लोकेशन में पास कर दे रहा हूँ दिल्ली। और जैसे ही ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया, और देखो आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट हुए डैशबोर्ड पे, और देखो फोर्थ नंबर डेटा रिकॉर्ड्स ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कोई फॉर्म बनाया न कुछ बनाया, सिर्फ एनजी मॉडल के थ्रू मैं खेल रहा हूँ और इंटरफेस के थ्रू मैं खेल रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो अभी तीन रिकॉर्ड, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा यहाँ चौथा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश किया, देखो चौथा रिकॉर्ड आ गया। तो यहाँ पर एकदम सिंपली तरीके से मैंने डेटा को ऐड करना बताया है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका मैं नहीं बता सकता, मैं सच बता रहा हूँ। इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं फॉर्म के मेथड्स बनाए फॉर्म कंट्रोल के थ्रू। तो चलो आप नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है। अब यहाँ पे 22 पॉइंट्स में मैं लिख रहा हूँ नाउ गेट डेटा बाय आईडी, गेट रिकॉर्ड्स बाय आईडी, आप जो भी मतलब समझना चाहो जिस तरीके से। तो कहने का मतलब है यहाँ मैं अब आईडी के भी यहाँ पे डेटा को गेट करूँगा, ठीक है। तो आईडी के भी यहाँ पे डेटा गेट करने के लिए अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले इससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट काम याद आया, तो इसको हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं नाउ क्रिएट
एडिट कंपोनेंट। ठीक है, पहले एडिट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और बटन्स क्रिएट करते हैं, तब हम गेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि गेट करके रखेंगे कहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं एन जी जी स्पेस सी स्पेस एडिट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के बाद उसी तरीके से मैं यहाँ पास करूँगा हाइफन हाइफन स्किप हाइफन टेस्ट। बेसिकली इससे हमारी स्पेक फाइल क्रिएट नहीं होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और जैसे ही हिट करोगे यहाँ पे एक नया कंपोनेंट फिर से क्रिएट होगा जिसका नाम होगा एडिट रिकॉर्ड्स कंपोनेंट, एडिट रेस्टोरेंट कंपोनेंट। ठीक है, और मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लोग सोर्स कोड मांगते हैं, गिटहब कोड लिंक मांगते हैं, तो मैं आप लोग के लिए ही एक पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें ब्लॉग का रहेगा, उसमें सारे आर्टिकल भी रहेंगे, वहाँ पे आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत परेशान ना हो, थोड़े दिन वेट कर लो, मैं सारे के सारे सोर्स कोड जितने भी हैं सब अपलोड कर दूँगा। ठीक है, सारे के सारे वहीं से डायरेक्ट वेबसाइट पर जाना, वेबसाइट से मेरे डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर एडिट करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से अगेन राउट देना पड़ेगा। राउट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एडिट रिकॉर्ड एडिट रेस्टोरेंट स्लैश कोलन आईडी। ठीक है, क्योंकि हम आईडी के बिहाफ पे डेटा गेट करेंगे, और यहाँ पे मैं एडिट रेस्टोरेंट कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ। अब मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मेथड कॉल करूँगा स्लैश, पहले कमेंट में लिख देता हूँ गेट रिकॉर्ड्स बाय आईडी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट बाई आई डी, बेसिकली मेथड नेम है। और यहाँ पर हम आई डी के बिहाफ पे गेट डेटा गेट करेंगे, तो आर्गुमेंट में आई डी रहेगा जो कि नंबर टाइप का होता है आई डी। ठीक है, डेटा को ऑब्जर्वेबल टाइप का रखना है, और किस इंटरफेस के थ्रू, रेस्टोरेंट इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस डॉट HTTP, और अगेन यहाँ पे हम गेट मेथड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेट रिकॉर्ड जब गेट करना होगा तो गेट ही मेथड यूज होगा और कोई मेथड यूज नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एज आर्गुमेंट पास करना, वन सेकेंड, यहाँ पे पहले आपको रेस्टोरेंट पास करना पड़ेगा जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस एक्सपोर्ट क्लास है, और उसके बाद यहाँ पे भी आर्गुमेंट आपको पास करने पड़ेंगे, और इस आर्गुमेंट को आपको टिल्ड बटन के साथ पास्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टिल सिंबल यूज किया, उसके बाद यहाँ पास किया स्लैश, यहाँ पे मैं आईडी दूंगा। ठीक है, स्लैश डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर आईडी। अब ये क्या करेगा, पर्टिकुलर उस आईडी को गेट करेगा, बस इतना लिख दिया, ये हमारा मेथड तैयार हो गया। तो गेट रिकॉर्ड्स बाई आईडी में भी एकदम, देखो जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं बता दे रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बता पाऊँगा, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल अगर कोई बता दे तो कहना। अब यहाँ पे फिर नया एक मेथड लिख देता हूँ तुरंत ही अपडेट करने के लिए, क्योंकि हमने गेट ऑल कर लिया, क्रिएट कर लिया, गेट बाई आईडी कर लिया, तो उसे अपडेट करने के लिए भी तुरंत ही लिख दे रहा हूँ, जिससे कि उसी एडिट पे ही यूज होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेलोड, क्योंकि पेलोड के थ्रू जाएगा और साथ ही साथ आईडी जाएगा, दो आर्गुमेंट यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो पेलोड तो हमारा रेस्टोरेंट का डेटा रहेगा, रेस्टोरेंट के भी यहाँ पे पेलोड जाएगा, और यहाँ पे मैं देता हूँ ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल किस टाइप का होगा, रेस्टोरेंट टाइप का होगा, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद यहाँ पे भी डेटा को हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट, अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं पुट मेथड। ठीक है, पुट यहाँ पे रेस्टोरेंट पास करूँगा मैं, क्योंकि हमारे इंटरफेस के थ्रू ही हम जब डेटा से प्ले कर रहे हैं तो इंटरफेस हर जगह यूज़ होगा। ठीक है, रेस्टोरेंट यहाँ पेरेंथिसिस में टिल्ड बटन के साथ, टिल्ड सिंबल के साथ मैं अपना API URL पास करूँगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ID एंड ये पूरा ID के साथ मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पास करूँगा। ठीक है, कॉमा पेलोड। ठीक है, ये हमारा अपडेट की भी ID, अपडेट का भी मेथड क्रिएट हो चुका है। तो
अभी तक हमने गेट ऑल कर लिया, ऐड रिकॉर्ड्स देख लिया, मतलब गेट पोस्ट पुट तीन मेथड को हमने आपके साथ एकदम सिंपल तरीके से शेयर कर दिए हैं, ठीक है। अब इन तीन मेथड को मतलब तीन ही मेथड यूज किया हूँ HTTP का। इन तीन मेथड को आप जब एकदम अच्छे समझ लोगे ना तो आपके लिए कोई भी जॉब पाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इतना आसान कि पूछो मत। कोई भी रिकॉर्ड मिलता है क्रेड एप्लीकेशन का, कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है क्रेड एप्लीकेशन का, कुछ भी पूछेगा क्रेड से पूछेगा, ठीक है। और दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट बनता है क्रेड एप्लीकेशन के अंदर ही सारे प्रोजेक्ट आते हैं। तो आप लोग एकदम बेफिक्र होकर मस्त से वह करो। एक बार मैं फिर से इसको मैं ऐड रिकॉर्ड्स वाला पूरा फॉर्म कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, फिर से दे रहा यार। एक सेकेंड, क्या गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। मैंने सिंपली ऐड रिकॉर्ड्स का सारा HTML फॉर्म कॉपी किया और पेस्ट किया। एरर क्यों दे रहा है और अजीब सा कलर दिखा रहा है। अरे यार देखो, शिट, SCSS की फाइल पे मैं HTML पास कर रहा हूँ इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है। अब HTML ऐड रिकॉर्ड्स का पूरा फॉर्म को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने एडिट कंपोनेंट डॉट HTML पे आता हूँ, एडिट डैशबोर्ड एडिट रेस्टोरेंट कंपोनेंट HTML पे आता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद कुछ चीज़ें हैं मॉडिफाई कर देता हूँ, जैसे ऐड न्यू रिकॉर्ड को कर दूँगा अपडेट रिकॉर्ड्स डिटेल हियर या अपडेट रेस्टोरेंट डिटेल हियर। और यहाँ पर अपडेट रेस्टोरेंट ओल्ड डिटेल, ठीक है, ओल्ड जो पुराना डिटेल्स है उसको अपडेट करना है आपको। दूसरा चीज़, ये रेस्टोरेंट का जो मतलब मिस हो रहा है रेस्टोरेंट वेरिएबल का, इसको मैं वेरिएबल भी क्रिएट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। उससे पहले ये मेथड जो एरर दे रहा है इसको भी फिक्स कर देता हूँ। तो सारी चीज़ मैं फिक्स कर देता हूँ। इसको सिंपली यहाँ से आप सबसे पहले इसको अपडेट रिकॉर्ड कर देते हैं। अपडेट रिकॉर्ड करने के बाद ये मेथड अभी थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब बचा हमारा सिर्फ रेस्टोरेंट रिकॉर्ड जो आ रहा है, इस रेस्टोरेंट रिकॉर्ड को डिफाइन करना है हमारे TS फाइल में बेसिकली, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल नहीं रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा होगा तो इस वजह से ये हमारा प्रॉपर एरर आ रहा है। और इस एरर को फिक्स करने के लिए हमें करना सिर्फ ये है कि इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके सेम एज इट इज़ जैसे मैंने ऐड रेस्टोरेंट में किया उसी तरीके से। तो ऐड रेस्टोरेंट के TS पे आते हैं, इस पूरे सेक्शन को कॉपी करते हैं और अपने एडिट रेस्टोरेंट कंपोनेंट डॉट TS पे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारा एरर दूर हो जाएगा, ठीक है। और इस फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रेस्टोरेंट के इंटरफेस क्लास को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और सेव कर दिया। देखो सारे एरर दूर हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम इजी तरीके से हैंडल हो जाता है। जब आप NG मॉडल के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन प्ले करते हैं तो एकदम इजी तरीके से हैंडल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एडिट करने से पहले हम डेटा को गेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करके RS रेस्टोरेंट सर्विस को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस को कहने का मतलब इंजेक्ट करेंगे। तो यहाँ रेस्टोरेंट सर्विस को हमने इंजेक्ट कर लिया, ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे हम राउट यूज़ करने वाले हैं एक्टिवेटेड राउट को, तो यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट यूज किए और राउटर भी यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्टिवेटेड राउट को यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद अब अपने NG ऑन लाइफ साइकिल हुक पे आते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करते हैं दिस डॉट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड। दिस डॉट राउट डॉट पैरम मैप, एक सेकेंड,
अभी हम यहाँ पे सबसे पहले सर्विस को कॉल करने के बाद एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको प्राइवेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम दिस डॉट राउट डॉट पैरम मैप, ठीक है। पैरम मैप के बाद आप इसको एक काम कर सकते हो, यहाँ पे डॉट सब्सक्राइब, क्योंकि पैरम मैप को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर हम पैरम्स को एरो बैक के साथ इसका आईडी गेट करेंगे, ठीक है। लेट आईडी इज इक्वल टू बेसिकली नंबर टाइप का होगा हमारा, आईडी पैरम्स डॉट गेट, ठीक है। यहाँ पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस यूज करने के साथ साथ यहाँ पर हम अंडरस्कोर नहीं, यहाँ पर हम स्ट्रिंग में एज ए आईडी पास करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये आईडी यूज़ होने लगा, क्योंकि हमारी उस जो भी डेटा को हम एडिट करेंगे उसकी आईडी के बिहा पे उस डेटा को गेट करेगा, ठीक है। तो गेट बाय आईडी, यहाँ पे आईडी डिफाइन करते हैं एज ए नंबर, दिस डॉट रेस्टोरेंट सर्विस RS डॉट गेट बाई आई डी, यहाँ पे आईडी पास करते हैं, डॉट सब्सक्राइब करने के बाद इस डेटा को हम काम करते हैं, डेटा को नहीं डायरेक्टली दिस डॉट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड इज इक्वल टू डेटा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसी रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स में सारा का सारा डेटा फुलफिल होके आ जाएगा, जो कि हमारे आईडी के बिहाफ पे ये चलेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम कोलैप्स करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल पे आते हैं, और यहाँ पे एक एक्शन, एक एरे, पहले टी एस पे आते हैं, यहाँ पे एक इस एरे पे एक की और इंटर करते हैं एक्शन नाम से, ठीक है। हम यहाँ पास करेंगे एक्शन, और इस एक्शन के कॉलम पे हमारा एडिट बटन होगा और अब डिलीट बटन होगा। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम पास करते हैं एक्शन, कॉलम नेम एक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा, एक और कॉलम ऐड हो गया होगा एक्शन नाम से, ठीक है। अब इस एक्शन के अंदर बेसिकली हम दो बटन यूज़ करेंगे फिलहाल, अभी के लिए तो हम एक ही बटन यूज़ करने वाले हैं। एंगुलर मटेरियल से भी पिक करते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद इसके अंदर हम एक बटन यहाँ पर यूज़ करेंगे। बटन यूज़ करने के लिए हम एंगुलर मटेरियल पे जाके ले सकते हैं, या अगर आपको पहले से पता हो तो आप अपने भी यहाँ पे बटन यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एंकर टैग के साथ यूज़ करने वाला हूँ बटन को, तो यहाँ पे लिया ए टैग, और यहाँ पे मैं बाइंड करने वाला हूँ राउटर लिंक इज इक्वल टू स्लैश सिंगल कोट में एडिट रेस्टोरेंट, जैसे ऐड रेस्टोरेंट था वैसे एडिट रेस्टोरेंट। ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में आके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं यूआरएल, और यूआरएल क्या है, पाथ है, ये हमारा कोई यूआरएल नहीं है, तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे कॉमा करता हूँ, एलिमेंट डॉट आईडी मुझे चाहिए, ठीक है, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे हम डेटा को एडिट करेंगे। अब यहाँ पे ए टैग तो ले लिया, अब लेकिन यहाँ पे हमको एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए हम बटन यहाँ पे यूज़ करेंगे, बी आइकन्स लेते हैं, बटन एज ए आइकन्स ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस आइकन्स की एपीआई वैसे हमने कॉल कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में इंपोर्ट करके, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है तो नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्टली बटन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बटन का एग्जांपल पे आते हैं, और यहाँ पे सिंपली इस बटन को हम कॉपी, मतलब आइकन्स को कॉपी कर लेते हैं,
कॉपी करने के बाद अपने HTML में फिर से आते हैं एंकर टैग पे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसमें कुछ चीज़ रिप्लेस करेंगे, जैसे होम को रिप्लेस करेंगे एडिट नाम से, फॉन्ट आइकन को हम रिप्लेस करेंगे एडिट नेम से, ठीक है। सेव कर देंगे, यह हमारा एडिट आइकन आ गया होगा। हम चेक करते हैं, एक्शन अभी दिख रहा है, जैसे रिलोड होगा पेज हमारा एडिट बटन आ जाएगा, देखो आ गया। एडिट मतलब पेन तरीके से है, जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो ऊपर ID 1 आ रही है यहाँ पे, लेकिन हमारा डेटा अभी सही तरीके से फुलफ़िल नहीं हो के आ रहा है, ठीक है। तो डेटा सही तरीके से फुलफ़िल होने के आने के लिए हमें लगता है कुछ इशू है, हमने कोड में कुछ गड़बड़ी किया, चेक करेंगे। अब देखो URL पे तो ID एकदम सही कैप्चर कर रहा है, फोर्थ में किया तो फोर्थ की ID गेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं। तो रिकॉर्ड्स प्रिंट करने के लिए हम चेक कर लेते हैं हमने क्या गड़बड़ी किया है। अच्छा, यहाँ पर हमने डेटा सोर्स को जो बाइंड किया है वो बाइंड गलत हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमारा डेटा नहीं आ रहा सही से। तो हम यहाँ पे आते हैं, जो हमारा डेटा बाइंड हो रखा है यहाँ पर, रेस्टोरेंट रिकॉर्ड के थ्रू हमारा डेटा बाइंड होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, और अच्छा इस मेथड को हमने कॉल नहीं किया, ठीक है। तो इस मेथड को हमें गेट बाई ID को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे एज ए लेट जो वेरिएबल हमने लिया है ID, इस ID को हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पे। इससे पहले हमें दिस लगाना पड़ेगा। अब सेव करके अब चेक करते हैं, अब जब हम एडिट करेंगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड्स हमारा दिखेगा। जैसे पेज रिफ्रेश हो रहा है देखो, फोर्थ नंबर की ID का सारा का सारा डेटा आ गया हमारे फॉर्म फील्ड में। तो इस तरीके से हम एडिट रिकॉर्ड पे जब क्लिक कर रहे हैं तो सारा का सारा डेटा हमारा इजी तरीके से हम गेट कर ले रहे हैं, उसके पूरे फील्ड्स को हम कैप्चर करके अपने फॉर्म फील्ड पे दिखा पा रहे हैं। अब हम यूज़ करने वाले हैं अपडेट करने के लिए अपडेट मेथड, ठीक है। अभी तो हम जिस भी रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर रहे हैं उस रिकॉर्ड को एडिट कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट 23rd पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, 23rd पॉइंट। नाउ गोइंग टू इम्प्लीमेंट अपडेट, ठीक है। अब अपडेट के लिए हम फंक्शनैलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम एक और मेथड बनाएंगे अपडेट नाम से, ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड या अपडेट आपको जो भी मेथड रखना हो आप रख सकते हैं यहाँ पे। अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे दिस डॉट रेस्टोरेंट सर्विस डॉट अपडेट, और यहाँ पे हम उसी फॉर्म के ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, ठीक है, डॉट सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे हम ब्लैंक कोई डेटा में मतलब ऑब्जर्व नहीं करने वाले हैं इसको डायरेक्टली, अब हम यहाँ पे राउटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्राइवेट राउटर कोलन राउट, सिंपली सब्सक्राइब करने के बाद दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, ठीक है। यहाँ पे भी हम नेविगेट करेंगे, ना कि नेविगेट बाय URL करेंगे, हम नेविगेट कर रहे हैं कहाँ पे, डैशबोर्ड पे, ठीक है। सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद हमारा सेम रिकॉर्ड जो भी मैं अपडेट करूँगा वो रिकॉर्ड हमारा अपडेट होके हमारे डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। हम देखो सेव कर रहे हैं, अब पेज हमारा रिलोड हुआ। इस मेथड को हम पहले कॉपी कर लेते हैं, अभी इस मेथड को कॉल नहीं किया बटन पे, तो अपने आते हैं HTML पे और अपडेट वाले बटन पे हम क्लिक मेथड के थ्रू यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। जैसे ही मैं क्लिक मेथड के थ्रू कॉल करूँगा यहाँ पे, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक बार रिलोड करता हूँ पेज को, अब कोई भी डेटा एडिट करता हूँ, ठीक है। सपोज़ मान के चलो फर्स्ट डेटा मैं एडिट कर रहा हूँ, क्लिक किया ABC रेस्टोरेंट आया, इस ABC का नेम हटा के यहाँ पे मैंने दे दिया आशीष, ठीक है। फर्स्ट ID मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ पे आशीष ओनली लिखा है, तो मैं यहाँ पे आशीष मिश्रा कर देता हूँ। मोबाइल नंबर पे कुछ इस तरीके से डेटा है पहले से फुलफिल, मैं अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, देखो आशीष रेस्टोरेंट हो गया और ओनर नेम आशीष मिश्रा हो गया। तो इस तरीके से एकदम इजी तरीके से एडिट कर सकते हो डेटा को, अपडेट कर सकते हो,
कोई भी डेटा आप एडिट करना चाहो कर सकते हो। सपोज जैसे चिली रेस्टोरेंट है, इस चिली रेस्टोरेंट को मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ डमी नेम दे देता हूँ, रेस्टोरेंट नेम चेंज कर दिया। नो नेम को मैं यहाँ पे कुछ भी नेम डाल दे देता हूँ, जो भी आप डालना चाहो अपने हिसाब से यहाँ पे नेम पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आशु कर देता हूँ। जैसे ही अपडेट, हरियाणा है यहाँ पे, न्यू दिल्ली, ठीक है। अपडेट रिकॉर्ड्स पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो न्यू दिल्ली हो गया, अपडेट रिकॉर्ड हो गया, आशु आ गया, और यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे फील्ड को, आप किसी भी फील्ड को एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। इन चार मेथड को हमने सीख, तीन मेथड को हमने सीख लिया, गेट करना, एडिट कर मतलब गेट करना और पुट करना, पोस्ट करना। अब लास्ट में यहाँ पे सर्विसेज मेथड लिख रहा हूँ डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली डिलीट मेथड में बना रहा हूँ और डिलीट करूँगा आईडी के बिहाफ पे। ये भी बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से मेथड यूज होता है, बस थोड़ा सा समझने की बात रहेगी, बस हो गया, ठीक है। मैंने आईडी लिया, आईडी एज ए कॉलन नंबर डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ डेटा को, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट डिलीट, पैरेंथेसिस में यहाँ पे मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, इस आईडी को मैं डायरेक्टली पास कर दूँगा, हो गया। यहाँ पे ना आपको रेस्टोरेंट डालना है, ना आपको रेस्टोरेंट इंटरफेस पास करना है, रेस्टोरेंट एक्सपोर्ट क्लास को पास करना था। सिंपली इतना पास करने के बाद अब आप यूज़ करोगे डिलीट के लिए। तो 24th पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नाउ डिलीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। डिलीट रिकॉर्ड्स, ये हमारा पूरे प्रोजेक्ट का फाइनल पॉइंट है, और इस पॉइंट के बाद हमारा पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। डिलीट यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना, क्योंकि यहाँ पे हम डायलॉग बॉक्स यूज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। तो सबसे पहले डायलॉग लेने के लिए हम एक काम करते हैं, अपने डायलॉग बॉक्स लेने के लिए एक काम कर लेते हैं। कहाँ गया डायलॉग, डायलॉग ये तो डिवाइडर, ये रहा डायलॉग, ठीक है। पहले डायलॉग की API कॉल करेंगे, इसी वाले मेथड को हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ओके, नो थैंक्स। एग्जाम्पल पे आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बटन हैं, या तो और कोई बटन यूज़ कर सकते हैं हम, चलो कोई सा भी यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे, NGGC डिलेट रेस्टोरेंट। हर चीज़ के लिए मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना दे रहा हूँ। बेसिकली डिलीट कर सकते थे आप, डायरेक्टली मैं करवा सकता था, पर डायरेक्टली डिलीट नहीं करवाना मुझे। बात यह है कि मुझे आपको ये भी बताना था कि डायलॉग बॉक्स से कैसे डेटा पास होते हैं, वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट, तो इस वजह से मुझे इसको बताना पड़ा, ठीक है। ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊँगा, कोशिश करना समझने की, आपको समझ में आ जाएगा। और एंगुलर जितना अच्छा समझोगे उतने अच्छे समझ में आएगा, और नहीं समझने की कोशिश करोगे नहीं आएगा, क्योंकि एंगुलर अलग ही एकदम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस बेसिकली इसी को मैं कॉल करने वाला हूँ, इस पॉपअप डायलॉग पॉपअप को, ठीक है। तो इस डायलॉग पॉपअप को कॉल करने के लिए हम, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, इतना स्लो मोशन में आ रहा है, और देख लेते हैं, ठीक है, और अननेसेसरी है, कोई काम का नहीं। तो इसके व्यू सोर्स कोड पे आते हैं, और इसके डायलॉग बॉक्स के एग्जाम्पल HTML पे आते हैं, और इस HTML को हम सिंपली देखो, यहाँ पे फोर फाइल बनी है, एक HTML बनी है, एक TS, एक CS और एक डायलॉग का HTML, ठीक है। तो डायलॉग कंपोनेंट के HTML में वो सारा का सारा HTML हम पास करेंगे। अभी यहाँ सबसे पहले आते हैं API पे, और हम API कॉल कर लेते हैं अपने ऐप मॉड्यूल डॉट TS पे, जिससे कि इसके सारे फंक्शनलिटी यूज़ करने की अथॉरिटी हमको मिल जाए। तो यहाँ पे हम पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं डायलॉग, डायलॉग को हम इंपोर्ट कर लिए। अब इस मॉड्यूल को हम अपने इंपोर्ट एरे में पास करेंगे, हम इसको यहाँ पास करने के बाद एग्जाम्पल पे आते हैं, और व्यू सोर्स कोड पे आते हैं, डायलॉग एनिमेशन एग्जाम्पल कंपोनेंट HTML पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये पूरा का पूरा आप डायरेक्टली पेस्ट कर देना अपने कंपोनेंट, जो नया कंपोनेंट बनाओ आप उसमें सारा का सारा पेस्ट कर देना, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, जैसे उन्होंने उनकी गाइडलाइन है, उनकी गाइड मतलब डॉक्यूमेंट में है, वही चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैंने पूरा पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे दो जगह पे क्लोज है, एक ओके पे भी क्लोज है, एक नो पे भी क्लोज है। तो ओके वाला क्लोज आपको नहीं रखना है,
ठीक है। और ऊपर जो चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, वुड यू लाइक टू डिलीट कैट डॉट जे पी ई जी, मैं कैट डॉट जे पी जी तो यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंटेंट रख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने टी एस वाले फाइल, एक सेकेंड पहले एच टी एम एल में ही इसको पहले सेटअप कर लेते हैं, तो टी एस बाद में आएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कैट डॉट जे पी ई जी है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिकॉर्ड्स, वुड यू लाइक टू डिलीट रिकॉर्ड्स, क्या आप रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं, या आप यहाँ पे ये भी रख सकते हैं वुड यू लाइक टू डिलीट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स, तो ठीक है। यहाँ पे नो पे सही है, लेकिन ओके पे क्लोज ये सही नहीं है, मैट डायलॉग क्लोज ओके वाले से हटा देंगे हम अभी, ठीक है, क्योंकि ये अननेसेसरी है भाई। ओके पे मैं अपना खुद का मेथड कॉल करूँगा, क्योंकि ओके पे हमको डिलीट करवाना है और यहाँ से एज ए कन्फर्मेशन ले जाना है कि हाँ मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको अभी रिमूव कर दूँगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपने पहले टी एस पे आते हैं, टी एस पे देख लेते हैं क्या इन्होंने किया है। टी एस पे इन्होंने मैट डायलॉग एक कंस्ट्रक्टर पर कॉल किया है और कंपोनेंट में तो कुछ खास नहीं किया, एक्सपोर्ट क्लास में मैट डायलॉग रेफरेंस को मैट, अच्छा इस तरीके से कॉल किया। चलो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद आप भी यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद अपने टी एस पे आइएगा, टी एस पे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट करने के बाद ये इस फाइल को आप सिंपली इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट कैसे करेंगे ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा एड इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स, लो मैट डायलॉग रेफरेंस इंपोर्ट हो चुका। अब यहाँ पे आपके कंपोनेंट का नेम होगा, जो ये आपको लाल बत्ती दिख रही है, ये लाल बत्ती पे आपके कंपोनेंट का नेम होता है बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट होता है, मैंने वो बता दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं, एक काम कर लेते हैं, ठीक है, टेम्पलेट यूआरएल यहाँ पे, ठीक है, तो सारी चीज़ें डन हैं इस पर, सही है। हम इस कंपोनेंट को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हमारा मतलब थोड़ा सा एचटीएमएल वाला काम डन हो चुका है, अभी एचटीएमएल पे थोड़ा सा काम बचा है, बस हो गया, बाकी अब सारा काम टीएस पे हम करेंगे। तो टीएस पे करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम एक बार फिर से अपने डिलीट, ठीक है, हम डिलीट कर रहे हैं डैशबोर्ड से, ठीक है, तो डैशबोर्ड पे आते हैं और डैशबोर्ड पे इसको कॉपी करके यहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं इसी तरीके से, और यहाँ देते हैं डिलीट, सॉरी यहाँ पर ट्रेस दे देते हैं, वैसे शायद ट्रेस ना आए या तो हो सकता है, देख लेता हूँ ट्रेस यूज होता है कि नहीं। अरे ये क्या एरर दे दे रहा यार, ठीक है, ट्रेस दिया, सेव कर दिया, आउटपुट पे चेक कर लेता हूँ ट्रेस का आइकन आ भी रहा है कि नहीं, नहीं तो डिलीट का चेक करूँ, क्योंकि मैट आइकन में बहुत ज़्यादा ये सब आइकन्स वगैरह पे काम नहीं किया हूँ मैं, जब पढ़ाना होता है तभी मैं देखता हूँ वीडियो पे, नहीं तो भी कोई मतलब नहीं है, मैं ये सब आइकन वगैरह बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, ज़्यादातर फोकस टी एस फाइल पर करता हूँ, ठीक है। तो पेज हमारा रन हो चुका है, चेक करते हैं, ओके डिलीट देखो नहीं आया, ठीक है, एक काम करते हैं इसको हटाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस एक काम करते हैं, ट्रेस को रिमूव करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे पास करता हूँ डिलीट, अब डिलीट आ जाएगा, ठीक है, मैट आइकन सिंपली होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ट्रेस रेस बूट स्टेप में था, इस वजह से मैं यूज़ करना चाह रहा था कि ट्रेस हो सकता हो, मैं रीलोड किया पेज को, सेव किया, देखो डिलीट का ट्रेस बॉक्स आ गया, रिसाइकल बिन का डब्बा आ गया, ठीक है। अब इस डब्बे में कचड़े को अपना डालेंगे, जो भी आइटम के आईडी पे हम डिलीट करेंगे होगा, ठीक है, जैसे वहाँ पे आईडी कैप्चर किया वैसे यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, क्लिक, सॉरी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पास करेंगे क्लिक इज इक्वल टू डिलीट, और ये बेसिकली एक मेथड होगा, और इस मेथड को हम कॉल कर बना ले रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे आते हैं,
डैशबोर्ड पे आने के बाद इसको हम यहाँ पे अब ये मेथड डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस मेथड में ओपन डिलीट कंफर्म, ठीक है, क्योंकि डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड से सिर्फ हमारा पॉपअप कॉल करेगा और वहाँ से डिलीट का कंफर्म लेके आएगा। अगर ओके करेगा तो डिलीट कर देगा यूज़र, नहीं होगा तो डेटाबेस से नहीं डिलीट होगा, नो कर देगा तो पॉपअप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इतना से करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और ओपन डिलीट मॉडल, अब इस मॉडल से हम एक काम करते हैं, ठीक है, एरर बता लो भाई थोड़ा सा, हम इसी के बिहाफ पे बताएंगे पूरा चीज़, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ से कॉल करते हैं अपने डैशबोर्ड में भी, डैशबोर्ड के टीएस पे भी इस मैट डायलॉग रेफरेंस को हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए वही सिंपली पब्लिक तरीके से इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्विक फिक्स आएगा, क्विक फिक्स पे ऐड इंपोर्ट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली यूज़ करेंगे दिस डॉट डायलॉग डॉट ओपन, और यहाँ पे कंपोनेंट नेम पास कर देंगे, जो भी डायलॉग कंपोनेंट ओपन करना हो, तो हमें डिलीट वाला कंपोनेंट ओपन करना है, तो यहाँ पे डिलीट वाले कंपोनेंट के जो एक क्लास को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस क्लास नेम को यहाँ पे पास कर देंगे। तो चलो आते हैं टीएस पे डिलीट के, और ये रहा डिलीट रेस्टोरेंट कंपोनेंट, इसको कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम डायरेक्टली पास कर देंगे। पास करने के बाद ये कंपोनेंट यहाँ मिलेगा नहीं, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो आप, तो यहाँ पे उसके बाद कॉमा के साथ यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है। अब इस मेथड को कॉपी किए, डिलीट डिलीट डैशबोर्ड के जो ये वाला मेथड था यहाँ पे हम कॉल कर लिए, इसको सेव कर दिए। अब देखो यहाँ पे एक एरर दूर हो गया, अब दूसरा क्या एरर आ रहा है इसको फिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये कंपोनेंट पे राइट क्लिक करेंगे, क्विक फिक्स आएगा, इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दोगे तो ये एरर भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ओपन डायलॉग डिटेल मॉडल एक मेथड बनाया, उस मेथड पे हम सिर्फ कंपोनेंट को ओपन करा रहे हैं। ओपन कराएंगे किस पे, एक वेरिएबल को ओपन कराएंगे अभी, ठीक है। वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल पे इसको ओपन हम कराएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर हम आते हैं डिलीट विड्थ इसका सेट कर देते हैं, विड्थ यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करके यहाँ पे एज ए विड्थ पास किए कॉमा। अब यहाँ पे हमारा डेटा जाता है, ठीक है, डेटा एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है, तो यहाँ पे हम पास किए डेटा कोलन ऑब्जेक्ट बनाए, इस ऑब्जेक्ट में डेटा जाएगा, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स जो होता है, पॉपअप जो होता है, ये क्लोज होता है, तो आफ्टर क्लोज भी यूज होता है इसमें, इसको भी हम आगे आपको और डिस्क्राइब करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एलिमेंट के आईडी को कैप्चर करेंगे इस मॉडल के साथ, तो यहाँ पे हम पास कर दिए एलिमेंट डॉट आईडी। अब इस एलिमेंट आईडी को हमको अपने HTML में तो पास कर दिया, तो हमको TS पे भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि दिखा रहा है एक्सपेक्टेड जीरो आर्गूमेंट बट गॉट वन, मतलब इसको एक्सपेक्टेशन था जीरो का, पर हम मैं एक एक्स्ट्रा लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ उसके लिए ये वार्निंग जनरेट कर रहा है कि नहीं, मैं ये इस तरीका गलत है, आप एक काम करो, आप TS फाइल पे भी जाके ये आर्गूमेंट वहाँ पास करो, तो उसके बिहाफ पे हम डेटा को आपको देंगे, ठीक है। तो अपन को मतलब जब एरर आए ना, तो एरर को आप पढ़ो, एंगुलर 14 का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि आपको एरर कई लाइन में दिखा रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड पे जब आप कोड करते हो तो कई लाइन में दिखाता है कि आपके ये एरर हैं, ये एरर हैं, ये एरर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कई तरीके से देख कर सकते हो। तो हम आते हैं अपने TS पे, यहाँ पे भी एज ए हम आईडी पास कर देते हैं, आईडी में नंबर पास कर देता हूँ, देखो एरर अब हमारा दूर हो गया। तो एरर से घबराओ नहीं, एरर को पढ़ के समझ के हैंडल करो, आपको आपसे इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फिक्स हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डेटा हम पास करने वाले हैं यहाँ से आईडी, तो मान लो हमारा आईडी जाएगा, तो मैं यहाँ पे आईडी पास करूँगा, आईडी
तो यहाँ से जब हमारी आईडी जाएगी तो डिलीट वाले कंपोनेंट पे भी हमको आईडी को कैप्चर करना पड़ेगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं डिलीट रेस्टोरेंट डॉट टी एस पे और यहाँ पे सबसे पहले मेथड यूज़ करते हैं डिलीट का, कन्फर्म डिलीट। ठीक है, यहाँ से बेसिकली कन्फर्मेशन लेगा। ठीक है, दिस डॉट प्राइवेट RS कॉलन रेस्टोरेंट सर्विस, दिस डॉट डिलेट, क्योंकि सर्विसेज में हमने डिलेट मेथड कॉल किया। अब यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब सब्सक्राइब पे हम एज ए हम यहाँ पे तो कुछ मतलब डिलेट करने के बाद कुछ रह नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, दिस डॉट डायलॉग रेफरेंस डॉट क्लोज, क्योंकि हम डायरेक्ट क्लोज कर देंगे, डिलीट करेंगे, डिलीट करके मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया, डिलीट करके क्लोज कर दिए क्योंकि हमने सर्विस को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक के थ्रू हमें डेटा लेना पड़ेगा। डेटा कौन सा डेटा, जो डेटा वहाँ से मैं भेज रहा हूँ अपने डैशबोर्ड कंपोनेंट से। ठीक है, तो डेटा हमें एनी टाइप का डिफाइन किया। अब यहाँ पर हमें मैट एक सेकेंड इंजेक्ट सजेशन नहीं आ रहा, सजेशन क्यों नहीं आ रहा, इंजेक्ट मैट करके आता है, ये नहीं है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इंजेक्ट मैट, ये रहा मैट डायलॉग डेटा। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्ट करूँगा मैट डायलॉग डेटा को, इंजेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इस वैल्यू को यहाँ से हटा के हम इसके साथ में यूज़ करेंगे यहाँ पर एज ए पब्लिक डेटा एनी, ये हमारा एनी टाइप का डेटा रहेगा, इसमें मतलब कोई सा भी डेटा आ सकता है, वहाँ से जो भी डेटा पूरा ऑब्जेक्ट तक भी आ सकता है। ठीक है, आप वहाँ से भेजोगे तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कोर लाइब्रेरी का पार्ट होता है इंजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेथड हमारा एरर दे रहा है इस वजह से क्योंकि इसके पास डेटा नहीं है, क्या डिलीट करें। ठीक है, तो डेटा में एज ए आर्गुमेंट आईडी जाता है, तो यहाँ पे दिस डॉट डेटा डॉट आईडी मैं पास किया और ये टॉप इस पर भी मैं आईडी ही पास करूँगा, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पास कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब हमारा मेथड पूरा डन हो चुका है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ से मैं जैसे ही इसको डेटा किया ना तो इसको एक वेरिएबल में होल्ड करता हूँ, तो कांस्टेंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कांस्टेंट डिलीट। ठीक है, एक डिलेट नाम का वेरिएबल लेता हूँ कांस्टेंट टाइप का, जिसमें ये डेटा को मैं डिलेट किया तो ये हमारा डिलेट हुआ, डिलेट कन्फर्म इज इक्वल टू। अब हम सिंपली इसको आफ्टर क्लोज कर लेते हैं, आफ्टर क्लोज करने के बाद हमारा सारा का सारा डेटा, जो भी डेटा चाहेंगे वो डिलेट हो जाएगा। तो आफ्टर क्लोज करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर यूज़ करना है डिलेट, जो भी वेरिएबल हमने लिया डिलीट कन्फर्म डॉट आफ्टर क्लोज, और आफ्टर क्लोज पे क्या करोगे आप, पॉपअप को क्लोज करते हो, क्लोज करने के बाद उसका उसको सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद जो भी डेटा आएगा, आप डेटा तो कुछ आएगा नहीं, आप रिडायरेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे सिंपली हम रिडायरेक्ट करेंगे किस पे, डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे दिस डॉट
रिस्पांस या रिजल्ट में ले लेता हूँ। If result, अगर रिजल्ट है मतलब जो डिलीट होने के बाद भी हमारे पास अगर डेटा है तो हमें this dot all restaurant कहाँ गया, ठीक है this dot all restaurant का डेटा हमें दिखा दो, ठीक है is equal to this dot ऑल रेस्टोरेंट, मतलब जो भी रेस्टोरेंट का ऑल रेस्टोरेंट पे डेटा बचाओ उसको फिर से उस पर डालो और फिल्टर करो। फिल्टर किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी डेटा डिलीट हो चुका है उसमें फिर से रिफिल्टर करके हमें सिक्वेंस से दिखा दे कि ये डेटा हमारे पास है। तो फिल्टर करने का ये नया तरीका है, आप पैरेंथेसिस यूज करो, पैरेंथेसिस के अंदर अंडरस्कोर, इसको एरो बैक के साथ इसकी डॉट आईडी कॉन्कनेट करो जो कि नॉट इक्वल इक्वल आईडी हो, ठीक है नॉट इक्वल इक्वल आई डी अब उसकी नहीं रही, तो अब हमारा सारा का सारा डेटा बाकी ऑल रेस्टोरेंट पे डाल के दिखा दो। तो इसको बस आपको सेव कर देना है, सेव करने के बाद अब आप इसको सारी फाइल सेव करके एक बार इसका आउटपुट देख लो। ये मेथड हमने देख लूँ, चेक कर लूँ कॉल किया हूँ कि नहीं, तो यहाँ पे भी कॉल नहीं किया था, तो इसको यहाँ मैट डायलॉग क्लोज पे हटा के रिमूव कर देता हूँ और इस पर क्लिक के मेथड के साथ यूज कर लेता हूँ, ठीक है ओके बटन पे सेव कर देते हैं। डिलीट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड्स, अब एक बार हम आउटपुट देखते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। अभी हमारे पास टोटल चार डेटा हैं, ठीक है तो सबसे थर्ड नंबर वाले डेटा को मैं डिलीट करने वाला हूँ। थर्ड नंबर वाले डेटा पर जैसे क्लिक किया, देखो पॉपअप आया रेस्टोरेंट डिलीट रेस्टोरेंट रिकॉर्ड वीड यू लाइक टू डिलीट रिकॉर्ड, मैं ओके किया, देखो डिलीट हो गया, 1, 2, 3 डेटा बचा, ठीक है। बस यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि पॉपअप हमारा बहुत छोटा ओपन हुआ, तो इसको बड़ा करने के लिए आप इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी रखना हो रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 350 कर देता हूँ जिससे कि डिलीट रिकॉर्ड्स का हमारा डेटा पॉपअप थोड़ा सा बड़ा दिखे। तो अब हम फिर से एक डेटा को रिकॉर्ड डिलीट करके दिखा देते हैं आपको, एंड ये हमारा फाइनल स्टेप है। और इस पर देखो इस बार हमारा पॉपअप थोड़ा बड़ा सा है, डिलीट रिकॉर्ड रेस्टोरेंट वुड यू लाइक टू डिलीट रिकॉर्ड, मैंने फिर से ओके किया और ये भी डेटा हमारा डिलीट हो चुका। तो वीडियो में बस इतना ही, हमारा ये प्रोजेक्ट आज का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट दे सकते हैं, और हम इस वीडियो का पूरा जो कोड होगा उसको हम नई वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, उस वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट कुछ दिन बाद अपलोड हो जाएगी सर्वर पे।